हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मुझे आप लोग बताओ, आप लोग ट्रू लव पे यकीन करते हो या नहीं? आप लोगों का पता नहीं, लेकिन हमारे ड्रामे का हीरो सांग जी अपने प्यार पे बहुत यकीन करता है और वही उसको बहुत आगे तक लेके जाता है। और थोड़ा सा अगर आपको पॉजिटिव मेलिड वाला ड्रामा देखना पसंद है तो ये तो परफेक्टली आप लोग के लिए बना हुआ है। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सांग जी जो इस ड्रामे का मेलिड होता है, वो एक प्रेगनेंट को देख रहा होता है और उसके बाद वो बोल रहा था कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं देने वाला, मुझे तुम्हें किसी भी कीमत पर ढूंढना पड़ेगा। और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शांग जी जब छोटा था उस टाइम पे उसके साथ उसकी फ्रेंड थी जिसका नाम जीजी होता है। जीजी और शांग जी भाग रहे होते हैं क्योंकि शांग जी के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे जो शांग जी की जान लेना चाहते थे और इसी बात की वजह से जो शांग जी था वो बहुत घायल था, उससे भागा नहीं जा रहा था। इस बात की वजह से जीजी उसे बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और उसके बाद वो उसको पेंडेंट देती है और उसके बाद उन लोगों का ध्यान खुद पे भटका के वो उन लोगों को अपने पास ले आती है और जिसके चक्कर में सांग जी की जान उस टाइम पे बची हुई थी। तो ये था फ्लैशबैक। और अभी प्रेजेंट में सांग जी ऐसे मनी मन में बोला था जी मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, 5 साल पहले मैंने तुम्हें एक बार फिर से खो दिया, अब मुझे माफ़ कर देना, अगर इस बार तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो हम फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं जहाँ पर 5 साल पहले ये उसे एक बार मिल चुका था, लेकिन फॉर सम रीजन जो जीजी है उसे सांग जी के वाले कोई भी याद है नहीं उसके माइंड पे। और उसके बाद हम अब देखते हैं उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है बॉस उसको सब कुछ पता है नहीं तो हम क्या करेंगे। अब अगर उसको ये पता चलता कि आप उसको पागलों की तरह ढूंढ रहे हो तो ज़्यादा हो सकता था वो आपके लाइफ में इजीली वापस आती। ये सुनने के बाद सांग जी बोलता है मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है, मैं अपने प्यार को ऐसे जीत दूंगा, मुझे आपने ऐसे पास की कोई भी चीज़ें ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करके या फिर उससे मजबूर करके अपने पास लाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस पर उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, हमको पता है एक पॉपुलर एक्टर है जंगली। ये सुनने के बाद बोलता है फर्क नहीं पड़ता। और तभी उसका फोटो देख रहा होता है जीजी का। जीजी दरअसल एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अच्छी खासी रिप्यूटेड न्यूज़ रिपोर्टर थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब यहीं पर सीन कट, अगले सीन में जीजी के पास उसकी फ्रेंड आती है और वो बोलते हैं तुम्हें पता है मिस्टर सांग जी आज तक उसने किसी को इंटरव्यू देने के लिए ओके बोला नहीं, बहुत रेयर इंटरव्यूज होते हैं और तुम्हारे साथ इंटरव्यू के लिए ओके बोल गया, क्या बात है तुम इतनी प्रेशियस हो, ऐसा बोल रही होती है। ये सुनने के बाद जीजी बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, फोकस करना बंद करो, अभी इंटरव्यू पर फोकस करते हैं। और उसकी तारीफों की फुल बातें जा रही होती है कि वो बंदा सिंगल है और बहुत हैंडसम है, मैंने सुना हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर उसी टाइम पर आता है हमारा हीरो और उसके बाद जो सांग जी था वो जीजी को बड़े प्यार से देख रहा था और कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाद में वो उसे पूछती है आप बहुत टाइम के बाद चाइना फिर से वापस आए हो तो मुझे बता सकते हो आप चाइना किस इरादे से आए हो, आपका कोई प्लान है बिजनेस में आगे जाने का और यहाँ पर कुछ कंपनी को टेक ओवर करने का। जो सुनने के बाद सांग जी बोलता है नहीं मैं सिर्फ एक औरत के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। जो सुनने के बाद सांग जी की बात सुनने के बाद जीजी तो शौक में और थोड़े दूर से स्माइल कर रही थी। और उसके बाद वो बोलती है गर्लफ्रेंड मतलब आपकी कोई बंदी है? इस सुनने के बाद वो बोलता है हाँ जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ, मुझे उसको किसी भी कीमत पे अपना बनाना है। ये सुनने के बाद जीजी बोलती है अगर ऐसी बात है तो आपको उससे जाके बताना चाहिए ना, अगर आप बताओगे तब जाके उसे पता चलेगा। ये सुनने के बाद सांग जी बोलता है पर उसको किसी और प्रक्रिया से 5 साल पहले उसने मुझे ठुकरा दिया था। ये सुनने के बाद वो शौक में आती है एक क्लास में जहाँ पर सांग जी जो था एक लाइब्रेरी के बाहर वाले एरिया से उससे बोलता है कि क्या हम साथ में हो सकते हैं। तभी जो जीजी थी उसने उसे देखा नहीं, बस उसने ये बोला था कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो यही फ्लैशबैक चलता है। फिर सांग जी था उसकी बातें सुनने के बाद जीजी तो कुछ बोल नहीं पाती। और उसके बाद सांग जी इवन जीजी को ये पूछता है कि क्या तुम्हारे लाइफ में कोई है। ये सुनने के बाद वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है और उसके बाद वो बोलती है मेरे जितने सवाल थे वो खत्म हो गए तो अब हम इंटरव्यू यहीं पर खत्म करते हैं। वो वहाँ से उसे बोलता है कोई बात नहीं। और उसके बाद वो बोलता है अगर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा बोला होता आई एम सॉरी, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और पेपे उसके पास आती है और बोलती है एक बात बताओ तुम्हें वो कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि तुमसे उससे प्यार हो गया है। ये सुनने के बाद वो उससे डांटती है, बोलती है कि मिस्टर चांग जी इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ मुझे प्यार करेगा, पागल हो गया क्या? और दूसरी बात मेरा बॉयफ्रेंड है उसे पता चलेगा तो कैसा लगेगा, ऐसी बातें मैं दोबारा मत करना। और उसके बाद वो उसे बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है। वो घर चली जाती है, पास आके बोलता है बॉस जनरली एक लड़की को अपने घर पे लिखे गया है तो क्या करे इसके बारे में, अगर उसको पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। ये सुनने के बाद सांग जी बोलता है नहीं अब सच को रिवील होना पड़ेगा, इतने टाइम से वो
उसी वीडियो को बना रहा था, तो अब मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं छुपा सकता, टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं होगा। और उसके बारे में दिखाया जाता है जैसे हमारी जीजी घर पर जाती है तो वो देखती है उसका बॉयफ्रेंड जियांगली एक लड़की के साथ लगा हुआ है, उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। हाँ, ये दोनों रिलेशनशिप में थे, ओपन रिलेशनशिप में थे। ओपन रिलेशनशिप मतलब ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी मुंह मारे, लेकिन ऐसा था कि एक दूसरे को लाइक करते थे अकॉर्डिंग टू जीजी। उसे तो नहीं पता था उसका बंदा इतना बड़ा घटिया निकलेगा, और जब वो उसे कन्फर्म करने की ट्राई करती है तो उल्टा उसे ये बोलने लगता है कि तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, मैं टॉप एक्टर हूँ और मैं तुम जैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना रहा था, तो कभी कभी तुम्हें मुझे छोड़ देनी चाहिए। उसे बहुत बुरा लगता है और रोने लग जाती है। और उसके बाद वो बोलती है आज के बाद अपनी मुझे शक्ल मत दिखाना, मैं तुमसे ब्रेकअप करूँ, बोल के रोते हुए वहाँ से निकल लेती है। और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिस बात की वजह से वो वहीं पर बेहोश होने वाली थी। तब एंट्री लेता है हमारा हीरो और उसे अपने गोदी में उठाता है, और उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ देर बाद जब जीजी अपने आँखें खोलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल पर पाती है। और उसके बाद नर्स बोल रही होती है पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना प्यार करता है तुमसे, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना केयरिंग है तो तुम्हें इस तरह से अपने आप को बीमार बनाने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता है वो क्या करता पूरे रात तुम्हारे साथ, ताकि तुमने अच्छे से ख्याल रखा। ये सुनने के बाद जो जीजी थी वो सोचती है मेरा बॉयफ्रेंड, और वो सोचती है कौन, क्योंकि अब जियांगली तो हो नहीं सकता। और उसके बाद उसी कुछ ऐसे धुंधले से इमेज आ रहे थे जहाँ पर एजेंट एडे शाम समझ सकते हैं ये सांगजी था, लेकिन इस बेवकूफ़ लड़की को पता नहीं कि ये कौन है। वो पूछने की ट्राई करती है लेकिन वो उसे नहीं बताती कि कौन है। और उसके बाद वो बोलती है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो उसके बाद नंबर तो होगा ना, उसे थैंक यू बोलो एटलीस्ट। वो बोलते हैं मेरे पास तो नंबर ही नहीं। नर्स को लगता है ये कैसा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड मतलब कैसे कपल है जिनको एक दूसरे का कॉन्टैक्ट पता ही नहीं, ऐसा वो सोचती है। जीजी घर पर चली जाती है, उसके अंकल और उसके आंटी वहाँ पर होते हैं। उसका अंकल उसके साइड पर था लेकिन आंटी नहीं। आंटी उसे बहुत बुरी बुरी गालियाँ दे रही थी क्योंकि उसका कंपनी अब डूब चुका था, बैंकक्रप्ट होने वाला था। और उसके बाद सांगवी जो था उसने उनकी फैमिली को एक अच्छा खासा ऑफर भिजवाया था अपने ग्रैंडपा के थ्रू। तो आंटी उसे बोल रही थी तुमसे कुछ होता नहीं है, तुम तो बस गुड फॉर नथिंग हो, तुम्हें हमने पाल पोस के बड़ा किया जब तुम्हारे माँ बाप मर गए थे, अब तुम हमें इन फेवर कुछ डिजर्न नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद जीजी बोलती है अंकल मुझे बताओ क्या बात है। ये सुनने के बाद अंकल बोलते हैं जो सांगजी है उसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया हुआ है, उसके दादाजी चाहते हैं कि तुम उनकी ग्रैंड डॉटर बनो, तो अगर तुम्हें कोई इतराज नहीं है तो तुम बन सकती हो, तुम एक्सेप्ट कर सकते हो रिश्ता को, वरना कोई बात नहीं मैं कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ और आइडिया निकालूंगा। ये सुनने के बाद जीजी बोलती है हाँ अंकल कोई बात नहीं। और उसके बाद वो जो वहाँ पर ऑफर कार्ड आया था उसके लेके वो सांग ग्रुप के लिए निकल लेती। जीजी पहुंच जाती है जहाँ पर सांगजी था। सांगजी के पास जाने के बाद जीजी बोलती है ये क्या है। ये सुनने के बाद सांगजी बोलता है क्या, दरअसल हाँ उसने भिजवाया था लेकिन दादाजी के थ्रू, तो वो प्रिटेंड करता है उसे कुछ पता नहीं है। और उसके बाद सांगजी को जीजी बोलती है देखो आप मेरे साथ शादी करना चाहती हो, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, आपके दादाजी ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया था, इन रिटर्न पैसे हेल्प करने की बात हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा वाला ऑफर नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मनी मन में सोचती है ऐसे भी वो किसी और को लाइक करता है और मैं किसी के लाइफ में सेकंड वुमन क्यों बनूंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो सांगजी था वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा, मुझे नहीं पता था दादाजी ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन अगर किया है तो भी उनके पीछे कुछ ना कुछ तो इरादा होगा और मैं कभी भी अपने दादाजी को हर्ट नहीं कर सकता। और तभी जीजी सोचती है मुझे लगा था ये खुश हो जाएगा लेकिन ये क्या बात हुई, ये तो सैड दिख रहा है, गुस्से में दिख रहा है। और उसके बाद जीजी बोलती है मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ये सुनने के बाद सांगजी बोलता है पर तुम्हारी फैमिली में अभी प्रॉब्लम है, तुमने खुद बोला था अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और उसके बाद वो बोलते कि कैसे, तभी सांग जी बोलता है मुझसे शादी करो, वो शौक में। और उसके बाद वो बोलता है कि शादी करो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना या फिर कुछ नहीं, लेकिन मेरे दादाजी ने अगर तुम्हें चूज किया मेरे लिए उस टाइम पर मैं दादाजी को नाराज नहीं कर सकता, इसीलिए वो सोचती है कोई बात नहीं अगर ये मुझे ऑफर कराए हेल्प करने के खुद को तो खुद से तो इसमें मुझे कोई एतराज होनी नहीं चाहिए। वो बोलते हैं कोई बात नहीं। उसके बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लेते हैं। सांगजी को देखती है जीजी और उसके बाद जीजी मनी मन में सोचती है मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इस तरह से किसी को अपना हस्बैंड बनाऊंगी, वो भी जिसके पास मैं दो ही बार मिली थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब सांगजी जीजी को देखता है, जीजी कहीं जाने वाली थी, वो बोलता है कहाँ पर जा रही है, वो बोलती है घर पर। ये सुनने के बाद सांगजी बोलता है आज के बाद तुम मेरी बीबी हो तो तुम्हें ना इस तरह से अपने घर पर वापस आने की जरूरत है नहीं, वरना लोग बहुत कुछ बातें बनाएंगे जो मेरे लिए और मेरे रेपुटेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, तो चुपचाप मेरी बीबी हो तो मेरी बीबी की तरह मेरे घर पर चलो क्योंकि कपल्स एक साथ रहते हैं। ये सुनने के बाद जीजी को थोड़ा सा अजीब लगता है, अभी तो बोल रहा था फेक मैरिज करना है, तभी वो उसे बोलता है अरे मैं पागल लड़की ऐसे मत दिखो कि मैं तुम्हें कच्चा चपा जाऊँगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोग गलत ना समझें और एटलीस्ट दादाजी के सामने तो कुछ गलत और ना बने, ऐसा वो बोलता है। और इसके बाद जीजी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है।
और उसके बाद उसे वही सीन याद आता है, मतलब फ्लैशबैक में, जहाँ पर उसको बाबा इसके टाइम पे उसे गोदी में उठा के ले गया था, लेकिन वो श्योर नहीं हो पाती कि उस रात को मदद करने वाला यही था या फिर कोई और, इसीलिए वो उसे पूछ भी नहीं पाती। सांगजी जीजी को बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पास्ट में था, लेकिन अगर तुम मेरी वाइफ हो उस टाइम पे मैं इस चीज़ का उम्मीद जरूर करूँगा कि तुम मेरे साथ लॉयल होगी, भले हमारा हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता ना हो। सांगजी को जीजी बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, इसका मैं 100% गारंटी देती हूँ। ये सुनने के बाद जो सांगजी था वो जीजी को बोलता है, मुझे झूठ बोलने वाले और मुझे बिट्रे करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, उम्मीद है तुम ऐसी गलती ना करो वरना तुम्हें मेरा असली रूप तो पता नहीं है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगजी को, जो सांगजी था वो जीजी को अपने घर पे लेके चला जाता है। और उसके बाद सांगजी जो था वो गाड़ी में वेट कर रहा था, जीजी पहले बाहर जाती है और तब हमें दिखाया जाता है उसका जो असिस्टेंट था उसे बोलता है, आपने उसे सच क्यों नहीं बताया बॉस, आपको बताना चाहिए था ना, आप उसको लाइक करते हो, इतने सालों से आप उसका इंतजार कर रहे हो तो आपको पता नहीं क्या। जीजा के सुनने के बाद सांगजी बोलता है, मैं उसे डरा के जितना नहीं चाहता, मैं उसे प्यार से जितना चाहता हूँ, मुझे अपने पैर पे पूरा यकीन है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद उसे घर पे लेके जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसे अर्जेंट कॉल आने की वजह से उसे बिजनेस ट्रिप के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना था, तो वो बोलता है तुम यहाँ पर रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझे बता देना और मैं यहाँ पर अपने लोगों को बता के रखूँगा। और उसके बाद उसे एक कमरे में लेके जाया जाता है जो उसका कमरा था, काफ़ी प्यारा था। और उसके बाद तभी उसको कॉल आता है उसकी आंटी का, और उसके बाद वो भाग के जाते हैं आंटी से मिलने के लिए, मतलब उसके घर पर। और तभी हमें दिखाया जाता है इसके बारे में, सांगजी को पता चल जाता है कि शायद जीजी कोई मुसीबत में पड़ने वाली है क्योंकि उसके आंटी के बारे में उसको सब कुछ पता था। उसके घर पे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो जीजी थी वो कुछ पैसे से दोस्त थे, वो अंकल को देख के बोलते हैं, अंकल मैं अभी इतना ही कर पाई हूँ, मैं आपको धीरे धीरे करके बहुत सारे पैसे दूंगी, आप पैसे मतलब आपकी कंपनी की जितनी हेल्प हो पाए मैं कर लूंगी। अंकल कुछ बोलते हैं, इससे पहले आंटी उस पैसे का चुन लेती है और बोलते हैं इतने पैसे से क्या होगा। और तभी सांगजी तभी जीजी बोलती है मैं अभी मेहनत कर रही हूँ और मैंने रिसेंटली शादी कर ली है, तो आप टेंशन मत लो, मुझे आप लोगों को हेल्प करना है, आप लोगों को मुझे सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर लेगा। अंकल बोलते हैं तुमने किससे शादी की, तुमने बताया क्यों नहीं। तभी वो कुछ बोलती, उससे पहले वहाँ पर आंटी बोलती है जरूर अगर शादी की है तो कोई राह चलते इंसान से की होगी। और उसके बाद वो बोलती है मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए आकर अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, दरअसल आंटी चुड़ैल नंबर एक उसने उन लोगों को बुलाया हुआ था जिनको उससे पैसे देने थे, तो उनको जो जो है पैसे हराने की आदत थी उसके चक्कर में उनको बहुत सारे लोगों को पैसे देने थे, उनमें से एक बहुत बड़ा बंदा था और जिसका नाम जांग होता है वो आता है। और उसके बाद उसने ये शर्त रखा हुआ था अगर सांगजी अगर जीजी के साथ वो शो पाया उस टाइम पे वो माफ कर देगा। अंकल तो मना कर रहे होते हैं, अंकल कभी ऐसा नहीं चाहते थे उसकी बेटी के साथ, पहले ही उसकी खुद की बेटी ना हो लेकिन उसके भैया की तो बेटी थी ना, लेकिन आंटी थेरी चुड़ैल यहाँ पर बहुत गलत कुछ हो सकता था, नहीं यहाँ पर हमारा ही रहा पहुँचता है। और उसके बाद सबके अच्छी खासी धुलाई करता है और उसके बाद वो सांगजी जो था वो जीजी को उठा के ले ही जाने वाला था, अंकल को बोलता है मैंने शादी की है आपकी बेटी से, आपको कोई ऐतराज है। अंकल बोलते हैं नहीं बेटा आई एम सॉरी, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी हमें दिखाया जाता है आंटी के तरफ दिखता है सांगजी और वो बोलता है आपके मेरी पहली मुलाकात बहुत गलत तरीके से हुई है आंटी, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आपने जो हरकतें की आज उसका ही कीमत तो आपको चुकाना पड़ेगा, रेडी हो जाओ क्योंकि मैं उसको क्यों भी नहीं छोड़ता जो मेरी वाइफ को परेशान करते हैं, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वहां से चला जाता है। जी को चांद जो था वो जीजी को लिए डॉक्टर लेके आता है, बस वो डर के मारे थोड़ी सी परेशान हो गई थी, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था बाकी कुछ नहीं था। और उसके बाद वो देखती है उसके हाथ पे चोट आया है इसीलिए वो डॉक्टर से मांगती है मेडिसिन, और उसके बाद चुपचाप वो मेडिसिन लगाने लगती है, ये बोलते हुए कि आपको हीरो होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब शो ऑफ करने की। ये सुनने के बाद सांग जी बोलता है तुम मेरी बीबी हो, अगर कोई मेरी बीबी को परेशान करेगा उस टाइम पर मैं क्या हाथ पे हाथ लगाए बैठा रहूँगा क्या, ऐसा कभी सोचा भी मत। ये सुनने के बाद जीजी बस स्माइल करती है, डॉक्टर सोच रही थी मिस्टर सांग जी को तो ऐसे मेडिसिन का इसमें बिल्कुल पसंद नहीं, कमाल है बीबी लगा रही है तो चुपचाप एडजस्ट कर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगजी उसे देखती है जीजी, और उसके बाद उसे ना कहीं ऐसा लग रहा था इस बंदे को मैंने कहीं देखा हुआ है, उसे ऐसा लगा शायद 5 साल पहले जिसको उसने कॉलेज के लाइब्रेरी के सामने रिजेक्ट किया था वही तो नहीं है, वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करती है क्या है क्या नहीं। और तभी उसे ये पता चलता है वो जो लड़का है मतलब हमारा बंदा वो उसके कॉलेज में तो पढ़ा नहीं है, मतलब उसके जो गूगल इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से उसने फॉरन से पढ़ाई की थी, वो सोचती है शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। और उसके बाद वो अपना कन्फ्यूजन नहीं पर
मन करती है। जी आता है जीजी के पास और उसके बाद उसे बोलता है तुम आराम करो, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी दादाजी का कॉल आता है। दादाजी बोलते हैं तुमने शादी की और तुमने अब तक मुझे बहू से मिलाया भी नहीं, तुम कहाँ पर हो? और उसके बाद वो बोलता है दादाजी हम कल आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। और उसके बाद वो संग जी जो था वो जीजी को बोलता है मेरे दादाजी बहुत सेंसिटिव है, ओवर एक्साइटेड भी है, कभी कभी इरिटेट भी करते हैं, लेकिन मैं अपने दादाजी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ दादाजी को नाराज़ मत करना। जीजी बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं दादाजी को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करूँगी, उनके सामने ऐसे प्रेजेंट करूँगी कि हम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है। और इसके बाद हम देखने ही दादाजी के पास मिलने के लिए लोग चले जाते हैं। और इसके बाद जो जीजी थी वो बड़े प्यार से दादाजी से बात करती है, और ये सब कुछ देखकर दादाजी तो इतने खुश हो रहे थे वो उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। और उसके बाद सांग जी जो था वो जीजी को बोलता है मत पियो तुम, दादाजी वाला ड्रिंक तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। वो बोलते हैं नहीं नहीं दादाजी इतने प्यार से बोल रहे थे मैं पी लेती हूँ, हालांकि उसने आज तक इतना ज़्यादा ड्रिंक कभी किया नहीं था। और उसके बाद जीजी को सांग जी बोलता है अब तुमने खुद पिया है तो बाद में रिग्रेट मत करना। और उसके बाद यहाँ पर ये लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, दादाजी तो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे। वो बोलते हैं अब तुम दोनों ने शादी तो कर ली, अब मेरे मरने से पहले मुझे पौर पुत्र का मुंह दिखा दो। तभी सांग जी बोलता है क्यों नहीं दादाजी बहुत जल्द। और उसके बाद वो जीजी को लेकर जाने वाला था, जीजी बोलते हैं कहाँ पर ले जा रहे हो? तभी सांग जी बोलता है दादाजी बोल रहे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए तो उस टाइम पर मैं क्यों नहीं दे सकता, चलो अभी करते हैं, बोल के उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। दादाजी खुशी के मारे पागल हो रहे थे। और रूम में दिखाया जाता है सांग जी जो था जीजी के बहुत करीब आ रहा था। सांग जी तो कब सांग जी के शहर के देखने के बाद जीजी डर जाती है, वो बोलती है क्या कर रहे हो? और तभी से बोलता है दादाजी को मैं कभी नाराज नहीं करता और दादाजी की मैं हर बात को मानता हूँ, क्योंकि मेरे मॉम डैड तो पहले मर चुके हैं, अब मेरे लाइफ में सिर्फ मेरे दादाजी है, मैं उन्हें कभी सैड कर नहीं सकता, उसके बहुत गरीब आ रहा था। तभी जीजी बोलती है मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। तभी उसे बोलता है तुम कोई भी कंडीशन रखने के स्टेज पर हो, तुम्हें लगता है तुम बोलो मत हमारे शादी का कंडीशन क्या था? तभी सांग जी को जीजी बोलती है आई नो मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरा डिसीजन है ना, मुझे नहीं लगता ये सही मौका है क्या, तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते? ये सुनने के बाद जो सांग जी था वो स्माइल करता है और बोलता है मैं तुम्हारा बस टेस्ट ले रहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं फोर्सफुली किसी लड़के के साथ ऐसा उल्टा सीधी हरकतें करूँगा? कभी भी नहीं, मैं उस दिन का वेट करूँगा जिस दिन तुम मेरे पास आओगी, और तब तक मैं तुम्हें बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है तुम कपड़े चेंज करो अभी हमें सोना है, वरना दादाजी हमारे दीवार के सामने ऐसे कान लगा के बैठे रहेंगे। जीजी स्माइल करती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर सोने के लिए बेड पे चले जाते हैं। और उसके बाद जो जीजी थी वो इतनी एम्बैरस थी, इतनी ज़्यादा नर्वस थी। सांग जी उसे देख के बोलता है एक बात बताओ, हम दोनों लीगल कपल है तो एक कमरे में रह नहीं सकते हैं ना? वो बोलते हैं हाँ। और तभी वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम इतनी ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा, घबराओ मत मैं तुम्हें नहीं खाऊँगा, ऐसा वो बोलता है। जीजी फिर भी नर्वस फील कर रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो जीजी थी उसको सांग जी बोलता है तुम्हें जजी महसूस हो रहा है? वो बोलते हैं हाँ बहुत गर्मी लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे में भी मुझे कोई ऐसे गर्म धूप मिलो। और तभी उसे याद आता है दादाजी जो पिलाए थे। सांग जी बोलता है मैंने बोला था ना मत पियो तुम सुनती थोड़ी हो, तुम्हें लग रहा था दादाजी बड़े प्यार से दे रहे हैं, मैं अपने दादाजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने वो चीज़ इसलिए पिलाई थी ताकि तुम और मैं कुछ कर सके और उनको कुछ खबरें जल्दी दे सके, मुझे तो अपने दादाजी के बारे में पता है था लेकिन तुम्हें नहीं था तो फंस गई। अब भुख तो ये सुनने के बाद जीजी बोलती तो अब क्या करे? ये सुनने के बाद सांग जी बोलता है वही करे जो एक कपल अपने कमरे में करती है, ऐसा वो बल्कि वो जीजी के बहुत गरीब जाता है। जीजी तो घबरा जाती है, वो बोलती है ये क्या है प्लीज डोंट डू दिस। ये सुनने के बाद जो सांग जी था वो वहाँ पर मेडिसिन जाता है उसके मुंह पे डालता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए मेरे तरफ से शादी का तोहफा। वो बोलते हैं क्या? तो अभी सांग जी बोलता है जो मेडिसिन दादाजी तुम्हें मुझे पिलाने वाले थे मैंने तो नहीं पिया, तुमने पी लिया ना, तो अब उसको सही तो करना पड़ेगा या फिर तुम्हारा कुछ और ही रहता है, अगर ऐसे ही रहता है तो आई डोंट माइंड। और उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं। और उसके बाद वो मेडिसिन खा लेती है। और उसके बाद जीजी सांग जी को बोलती है अब क्या? तभी सांग जी बोलता है कुछ नहीं मैं सावर लेने जा रहा हूँ, प्लीज मेरे पीछे पीछे आना मत। तो बाद में पता चला सांग जी ने भी गलती से वो जो मेडिसिन था वो तो पी लिया था, मतलब वो दादाजी वाला अल्कोहल उससे आइडिया तो था लेकिन अब दादाजी को मना भी नहीं कर सकता था, उसका और ले रहा था बहुत टाइम हो गया, वो वापस आया ही नहीं। और जीजी को लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो नहीं फंस गया, बेहोश बेहोश तो नहीं हो गया? वो बाहर से बोलते हैं तुम ठीक तो हो, लेकिन वो साउंड नहीं करता, वो ऐसे पीटते फिरते दरवाजा और वो बोलती है तुम ठीक तो हो? और तभी वो बाहर आता है और वो बोलता है मैंने तुमसे बोला था ना चुपचाप बेड पे सो, तो यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें पता है अभी मेरा क्या हाल है? फिर भी ये सुनने की बात जीजी बोलती है मैं तो बस मेक श्योर कर रही थी कि तुम ठीक तो हो ना। और तभी सांग जी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे इतने नज़दीक होगे तो मैं ठीक नहीं रहूँगा। और उसके बाद सांग जी को जीजी बोलती है मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ, हम दोनों ने शादी की है लीगली और तुमने मेरी बहुत मदद की है, अगर दादाजी के मिशन का आशय तुम पे हो चुका है ना उस टाइम पे मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ बोल के वो आपने
शर्ट के बटन ओपन करने की ट्राई करती है। सांग जी उसे रोकता है और वो बोलता है मैं इतना भी क्रूर नहीं हूँ, हम कुछ और कर सकते हैं। उसे गोदी में उठा के लेके जाता है और उसके बाद वो जो था सांग जी वो जीजी को अपने पास खींचता है और उसके बाद उसका जो हाथ था उसके टावेल को ओपन करने के लिए मदद करता है और उसके बाद जी नहीं पर कट। तो पता नहीं इन दोनों ने क्या कर दिया। हाँ ये था कि इंटीमेट नहीं हुए थे, लेकिन बाकी आप लोग छोड़ो, आप लोगों के दिमाग के ऊपर इन लोगों ने क्या किया होगा। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में, और उसके बाद हम देखते हैं सुबह वाला सीन। दादाजी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, उनको लगा था उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद नाश्ता करते टाइम भी जब जो जीजी थी वो अपने मनपसंद चीज़ खाने की ट्राई कर रही थी, तभी दादाजी बोले थे खाओ खाओ बेटा तुम्हें तो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तुम इतने दुबले पतले सी हो, तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, कोई बात नहीं थोड़ा सा वेट गेन करोगी तो मेरा पोता थैला तुम्हें उठाने के लिए बोल के वो ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे। देखने से लग रहा था दादाजी काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है दादाजी बोलते हैं जीजी को देखो बेटा अगर ये तुम्हें परेशान करता है बुली करता है तो बेझिझक मुझे आके बताओ, मैं इसके टांगे तोड़ दूंगा। और सांग जी बोलता है दादाजी आप मेरे दादाजी या फिर इसके इतना ज़्यादा इसका साइड लेना सही नहीं है। दादाजी बोलते हैं बेशरम इंसान मैं तुझे सुधारने के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, वरना तुझ जैसे इंसान को किसी ने अपनाया है वो बहुत बड़ी बात है बोल के उसका पोपट बना रहे होते हैं। और हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में सांग जी जो था वो देखता है जीजी को कल आया है, बाद में उसको ऑफिस जाना था इसी बात की वजह से वो ऑफिस के लिए निकल लेती है। उसने इस बंदे को खो दिया लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था इसको मेरे पास वापस आना चाहिए। और उसे पहले बोला था मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इतने दिनों के बाद, और उसके बाद वो बोलता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जीजी बोलते हैं मुझे हाथ लगाना बंद करो, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम दोनों का सब कुछ खत्म हो चुका है तो अब यहाँ से जाओ। वो सुनता ही नहीं है। और उसके बाद जीजी बोलती है मैं कंपनी में रिजाइन करने के लिए आई हूँ तुम मुझे परेशान मत करो। लेकिन बाद में वो बोलता है जियांगली तुम कंपनी नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुमने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो जब तक मैं इस कंपनी में हूँ तब तक भी तुम रहोगी, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और जीजी देखती है तो सच था ये बात, वो तो परेशान हो जाती है। वो बोलती है तुमने मुझसे धोखे से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, वो बोलता है मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, अब तुम समझ चुकी होगी कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम हो, इसलिए अब मुझे भी अपना लो और हम दोनों फिर से पहले जैसे कपल बन जाएंगे। ये सुनने के जीजी को बहुत गुस्सा आता है, वो सोचती है मैं अभी के अभी उसे कॉल करती हूँ और वो बोलती है मैं अभी शादी कर चुकी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा हस्बैंड है, उसे पता चलेगा तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जियांगली हंसता है और वो बोलता है तुम्हारे में 5 साल से सेक्रेट रिलेशनशिप में थे और तुम ऐसी लड़की हो जिसने मुझे हाथ भी लगाने नहीं दिया और तुम बोल रहे हो तुमने 1 वीक के अंदर एक बंदे से शादी कर ली, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ तुम्हारी बात पे यकीन करूँगा। ये सुनने के बाद जो जीजी थी वो बोलती है यकीन करना या ना करना वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैंने शादी कर ली, अगर मेरे हस्बैंड को इसके बारे में पता चलेगा तो तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत होगी, परेशान करना बंद करो। वो नहीं सुनता और इसके बाद जीजी फ़ोन उठाती है, वो सोचती है अभी के अभी वो सांग जी को कॉल करेगी, लेकिन बाद में सोचती है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों के लिए मैं उसे परेशान करूँगी। और तभी वो फ़ोन को नहीं करती, लेकिन बाद में वो बोलता है देखो मेरी बात के लिए सुनो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम तो सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मैं तुम्हारा पहला आखिरी ऑप्शन हूँ बोल के उसके साथ चिपके जा रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, इस पर वो कॉल लगा लेती है, कल गया एक कल गया और उसके बाद वहाँ पर फौरन सांग जी चपक पड़ता है, शायद वो यहीं पर था। और उसके बाद सांग जी बोलता है कोई दिक्कत है, ये देखने के बाद वो फौरन फोन काटती है और वो बोलती है कुछ नहीं गलती से फोन लग गया था, ऐसे ही बात करती है। जी अंगली बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करे हो, और तभी वो बोलता है क्यों कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं आ सकता क्या। ये सुनने के बाद तो जयंगली का तो होश ही उड़ जाता है, वो बोलता है नहीं 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 प्रेसिडेंट बात ऐसी है कि मेरी गर्लफ्रेंड और मुझ में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी इसी बात की वजह से। ये सुनने के बाद संग जी बोलता है मैंने तुमसे पूछा, वो चुप हो जाता है। और इसके बाद जो जीजी थी वो बोलती है कुछ नहीं वो गलती से फोन ले दिया था बस ऐसी कोई बात नहीं, वो बोलता है कि हाँ हाँ कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चला उसने दूसरी वाइफ बोला नहीं ना उसने उसे हस्बैंड बोला। संग जी को लगा शायद ये रिलेशनशिप पब्लिक करना नहीं चाहता ताकि बाद में दोनों अलग हो तो उस टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अभी सांग जी की तरफ से कुछ और था, वो कुछ चाहता था कि वो खुद उसको एक्सेप्ट करे तो वो ऐसे क्यों उस अपनी शादी को पब्लिक करता, वो तो बस इतना चाहता था उसको सबके सामने रिस्पेक्ट मिले मतलब जीजी को, वरना अगर फेक मैरिज से रिलेटेड कुछ भी बात बाहर आती तो सांग जी का कुछ ना भी करता, लेकिन जीजी का तो बहुत कुछ भी करता, उसके कैरेक्टर पर लोग उंगली डालने लगते। और उसके बाद जो जियांगली था वो बोल रहा होता है मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में इश्यू था वो शॉर्ट आउट हो चुका है, और तभी वो उससे बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों के बीच में जो भी हो लेकिन मुझे उससे बात करनी है तुम आओ बोल के वो जो जीजी थी उससे अंदर की तरफ बुला लेता है, वो चला जाता है। और उसके बाद वो जाने वाली होती है तभी जो जियांगली है वो बोलता है ये गलती से हुआ है ना, ये कोइंसिडेंट है ना, तुमने उसे सच में नहीं बुलाया ना,
ये सुनने की बात जो जीजी थी वो बोलती है तुमसे, मतलब वो उसे धक्का देती है, अंदर की तरफ चली जाती है। और उसके बाद अंदर जाने के बाद इतनी देर फटी हुई थी उसकी, वो बोलती है देखो बात ऐसी है मेरा और उसका ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो उसे धक्का देता है सीधा, वो सोफे में लेके पुश करता है, उसके बाद उसे कंटिन्यूसली तो उसके नज़दीक आता है, वो डर जाती है, वो बोलती है रुको। और उसके बाद वो बोलती है देखो उसका और मेरा कुछ नहीं है, आई नो पहले हम दोनों साथ में थे, रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसने मुझे चीट किया, उसके बाद मैं उसे छोड़ चुकी हूँ, हम दोनों की जो भी था खत्म हो चुका है, प्लीज़ गलत मत समझो। सांगसी बोलता है उसकी हिम्मत कैसे तुम्हें हाथ लगाएगा, मैं उन लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करता जो लोग मेरे लोगों को परेशान करते हैं, और उसने तो सीधा सीधा मेरी वाइफ के ऊपर ऐसे बुरी नज़र डाली है, मैं उसको कभी कभी काम से निकाल दूंगा। तभी जीजी उसे समझाने की ट्राई करती है ऐसी कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसे फिर सिकित करता है और उसके बाद उसे रोकती है और वो बोलती है मैं इन सब चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। ये सुनने के बाद जो सांगजी था वो बोलता है तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें देख लेगा इसीलिए मेरे साथ, ये सुनने की बात जीजी उसे बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, देखो तुम्हारा मेरा जिस हिसाब से शादी हुआ है वो बहुत अजीब था, आई नो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिस तरह से शादी हुआ है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अडॉप्ट करने के लिए, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ये सब कुछ समझ पाऊँ मेरी लाइफ में क्या चला है क्या नहीं, और उसके बाद में उसी हिसाब से रिया करूँ, ट्रस्ट में मैं किसी और के पास नहीं जाऊँगी, मैंने तुम्हारे साथ शादी की तो सिर्फ मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। तभी सांगजी बोलता है कितना टाइम दादाजी, इतना वेट नहीं कर सकते, आई नो मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास इस तरह से लोग मनाते रहेंगे तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं कभी भी कहने चाहूँगा कि मेरी वाइफ को कोई और बुरी नज़र से देखे, उसे हाथ लगाए टच करे या फिर कुछ भी उसके बारे में गलत सोचे। तभी जीजी उसे बोलती है मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारी लाइफ में अच्छी बीबी बन के आऊँ और तुम्हारे दादाजी को खुशी दूँ, और उसके लिए मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक बेबी पैदा करने में, लेकिन वो गलत होगा तो प्लीज़ मुझे टाइम दो। वो बोलता है कितना टाइम चाहिए, एक साल, पाँच साल, दस साल, कितना टाइम चाहिए बताओ, लेकिन तब तक तुम किसी और के पास नहीं जा सकती, अगर दस साल मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा तो तब तक तुम भी मेरे लिए वेट करोगी। ये सुनने के बाद सांगजी वो जीजी बोलती है मुझे 6 महीना चाहिए, मुझे 6 महीना दो, 6 महीने तक मैं ये देखना चाहती हूँ मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं, मुझे 6 महीने में सब कुछ समझने दो और सब कुछ सेट हो जाएगा, उसके बाद मुझे तुम्हें अपने पास आने से रोकने में कोई मैं वो बोलती है मैं तुम्हें कभी भी अपने पास आने से रोकूंगी नहीं, मैं खुद तुम्हें अपनाऊंगी, मुझे इतना टाइम चाहिए तुम्हें समझने के लिए, ऐसे में मैं तुम्हें इतना जानती नहीं हूँ तो प्लीज़ इतना, वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन 6 महीने तक अगर दोबारा कोई भी आके तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने के बारे में सोचेगा या फिर तुमने मुझे चीट करने के बारे में सोचा तो उस टाइम पर तुम्हें अच्छी तरह से बताएं मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ऐसा वो बोलता है। तभी जीजी उसे बोलती है अगर सब कुछ हो गया तो मैं प्लीज़ चाहूँ, लोग यहाँ पर बहुत कुछ सोच सकते हैं क्योंकि मैं तारीख तुम्हारे ऑफिस पर आई हूँ, तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो। तभी जो हमारा बंदा था वो बोलता है हाँ जाओ, और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेती है, ये सब कुछ पेपर देख रही थी लेकिन वो ये नहीं देखती कि क्या बात हुई अंदर दोनों में, और वो बस उसका सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही थी, मस्ती मजाक कर रही थी कि क्या बात है प्रेसिडेंट के साथ तुम एक ही रूम में, बोल के उसका मजाक बना रही होती है। जी बाहर आती है उसके फ्रेंड पे उसके पास आती है और वो बोलती है तुम प्रेसिडेंट के कमरे में इतने टाइम तो क्या कर रही थी, ये सुनने के बाद आप बेचारी दीदी क्या बोलती है, वो बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं, जैसा तुम सोच रहे ऐसी कोई बात नहीं है, पे बोलती है मैंने कुछ सोचा नहीं, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ सोचा होगा, वो घबरा जाती है, वो मन में सोचती है कहीं प्रेसिडेंट और मेरा रिश्ता सबके सामने एक्सपोज ना हो जाए, वो नहीं चाहती थी एक्सपोज हो जाए, इसी बात की वजह से वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, पे बोले होती है ऐसे तुम्हें पता है प्रेसिडेंट का कोई इन्फ्लुएंस या कुछ मामला है क्या, सुनने के बाद जी मुझे तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तभी जो पे थी वो बोलती है क्योंकि प्रेसिडेंट इतने हैंडसम इतने रिच है तो मुझे लगता है कोई ना कोई तो होना चाहिए, ऐसा वो बोल के वो उसको ऐसे सिग्नल दे रहे होते हैं कि हाँ तुम्हें ट्राई करो, अब उसे क्या पता था कि उसी की बेबी है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में घर की तरफ जहाँ पर जी अंगली अपने मैनेजर के साथ जा रहा होता है, जहाँ पर जो जी जी है उसको बोले जा रहा था तुम लोग मजे करो मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जी अंगली ऐसा दिखाने की ट्राई कर रहा था इन दोनों का कुछ अभी भी है, और ये सब कुछ तो दूर से हमारा बंदा देख रहा होता है सांगजी, सांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसके बाद वो उसे ऐसे इशारा करता है गाड़ी की तरफ आओ, जी जी को थोड़ी घबरा जाती है, और उसके बाद जो ये बंदी जो जी अंगली को मैनेज कर रही थी वो उसे थोड़ा सा एक दो गंदी सी डायरेक्ट मार के निकल लेती है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जीजी थी वो सांगजी के गाड़ी के नजदीक जाती है, सांगजी बोलता है गाड़ी के अंदर आ, और उसके बाद वो गाड़ी के अंदर जाती है और वो बोलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, वो बोलता है घर, और उसके बाद जो सांगजी था वो जीजी को किस करने लगता है, सांगजी को ये हरकत के बाद तो जीजी तो शौक में आती है ये क्या कर रहा है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी समय पर सांगजी बोलता है चुप रहो, और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है गाड़ी क्रॉस हो रहा था जो जंगली है उसकी गाड़ी और सांगजी की गाड़ी क्रॉस हो रहे थे, जिस टाइम पे जंगली था वो देख लेता है दोनों को, और शायद देखने से ऐसा लग रहा था सांगजी ये सब कुछ सच में उसे दिखाना चाहता था
रहा था और उसके बाद हमें ये दिखाया जाएगा कि जो जियांग है उसे ऐसा लगा शायद उसने कुछ गलत गलत देख लिया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब जीजी देशला के वो भी प्रेसिडेंट के साथ, और इस पोजीशन पर उसे डाउट हुआ, उसे लगा शायद कोई मेरा गलत फोन नहीं होगा, वो जीजी को कॉल करने की ट्राई भी करता है लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा था। जीजी बोलती है सब कुछ क्या था, सांग जी बोलता है मैंने तुमसे बोला था ना तुम अपने एक्स के पास नहीं जा सकती, तो मेरा सर घुमाने के लिए बीच में तुम ऐसी गलती क्यों करते हो, तुम्हें पता है मुझे सब कुछ पसंद नहीं। तो जीजी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस उसके साथ बात कर रही थी। सांग जी बोलता है मैं नहीं जाता, तुम उसके साथ बात भी करो, तुम समझ गई ना, वो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब घर चलो, और तब उसके हाथ में कट लगा हुआ था, वो बोलती है हॉस्पिटल चलो चुपचाप, वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं ठीक ठाक ही है, इतने से चोट के लिए हॉस्पिटल क्यों जाएंगे। जीजी बोलते हैं चुपचाप चलो, और बीवी का कॉप तो हर हस्बैंड को होता ही है, वो हॉस्पिटल के लिए चुपचाप मान जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद दिखाया जाता है वही नर्स जो लास्ट टाइम जीजी को लेकर हमारा सांग जी आया था उस टाइम पे थी, तो वो बोलती थी अरे तुम बोलो, और उसके बाद वो थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि उस टाइम पे जो नर्स थी वो देखती और बोलती अरे तुम बोलो, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सांग जी उसको खोल के देखता है वो समझ जाती है गलत देख पे हमारे मोहताजा ने मुख खोल दिया था, वो चुप हो जाती है। और तभी जो हमारी जीजी थी वो बोलती है क्या इसको जानती हो, वो बोलने के बाद बोलते नहीं नहीं मैं तो शायद मुझे गलत फहमी हो गया था, मुझे लगा कोई और है, मैं प्रेसिडेंट को कैसे जान सकती हूँ। और उसके बाद जो जीजी थी मन में सोचती है कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसने मेरी मदद की थी उस दिन, उससे कहीं दूल्हा दूल्हा सा आ भी रहा था, वो सोचते मैं इसको पूछ लेती हूँ लेकिन उसे पता है अगर पूछेगी तो बताएगा नहीं, इसीलिए वो बोलते मैं करती हूँ मन मन पट्टी, और उसके बाद उसे चुपचाप बैठने के लिए बोलती है। और उसके बाद वो दोनों जाने वाले होते हैं, और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो सांग जी था उसको वो डॉक्टर बोलता है, नर्स बोलती है कि आप दोनों कपल है, पहले तो दीदी बोलती नहीं नहीं, और उसके बाद संजय घूर के दिखता है और बोलता है फिर से एक बार बोला, और बोलते हैं हाँ हाँ हम दोनों कपल है, और उसके बाद नर्स बोलते हैं कि एक्चुअली उन्होंने वेडिंग रिंग पहनी है तो कैसे पता चलेगा कपल हो या नहीं। ये सुनने के बाद तो वो वहाँ से चली जाती है, और उसके बाद संजय किसी को कॉल करता है, और उसके बाद वो बोलता है कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ी डिजाइनर थी एफके डिजाइनर बोला था, और उसके बाद बोलता है वेडिंग रिंग लेके आओ, और उसके बाद फोन काटता है। और उसके बाद संजय को जीजी बोलती है वेडिंग रिंग की क्या जरूरत है नहीं नहीं चाहिए, तभी जो संजय था वो बोलता है क्यों नहीं चाहिए हम दोनों कपल है, और अब तक हमारे हाथ में वेडिंग रिंग नहीं है तो लोग हमारे ऊपर सवाल करेंगे और मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। तभी जीजी बोलते हैं पर ये बहुत बड़ी बात दिखाया जाता है अगले वाले सीन में। जीजी अपने ऑफिस पे होती है, उसके फ्रेंड उसके पास आती है, और उसके बाद वो बोलती है ये देखो कुछ यहाँ पर बहुत अमेजिंग आया है। तो दरअसल पता चला यहाँ पर जो संजय था वो एक स्विमिंग पूल पे था, वहाँ पर एक मॉडल थी जो उसके साथ चिपके जा रही थी, और उसके बाद ये सब कुछ देखने के बाद तो जीजी को थोड़ा सा इतना सब बुरा तो लगता है। और उसकी फ्रेंड पे बोलती है दोनों में काफी अच्छी बनती होगी, शायद अच्छे दोस्त होंगे, यार ये बहुत टॉप मॉडल है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कोई बात नहीं, और उसके बाद वो उसकी फ्रेंड थी वो तो उन दोनों की सही सलामती की वो दुआ कर रही थी, मतलब दोनों साथ में रहे हमेशा। और इस बात की वजह से जीजी को बहुत बुरा लगता है, वो सोचती है शायद इसकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है तो मुझे उसको डिवोर्स के लिए पूछना चाहिए, मैं इसको इतना ज़्यादा बोझ बनना नहीं चाहती इसकी लाइफ में। और उसके बाद अगले सीन में देखनी है ये दोनों साथ में होते हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद जो जीजी थी वो प्रेम को बोलती, जो जीजी थी वो हमारे इंसान जी को बोलती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, वो बोलता है क्या, तभी वो बोलती है क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है तो मुझे लगता है अब हम दोनों को अलग होना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे पर बोझ बनना नहीं चाहती, वो बोलता है नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद हम देखते हैं जो जीजी थी वो बोलती है हम दोनों का बस कॉन्ट्रैक्ट वाला रिश्ता था ना खत्म हो गया, अब इसमें क्या है, और बाकी पैसे की बात है मैं तुम्हें लौटा दूंगी। और उसके बाद हमारा बंदा उसे लेके चलता है एक शॉप में जहाँ पर उसके लिए रिंग बनाया हुआ था, और उसके बाद वहाँ पर शॉपकीपर आता है जो उस शॉप का मैनेजर भी था। जैसे ही मैनेजर बाग के आता है उस टाइम पे जो संजय था वो बोलता है मेरी वाइफ को सच बताओ, और उसके बाद वो उसे बताता है जो मॉडल थी वो एक टॉप मॉडल थी, और उस टाइम पे वो उसके साथ कोई रहने का ड्रामा कर रही थी, उस टाइम पे वो मना इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर मीडिया वाले थे, अगर कोई भी बदतमीजी होती उस टाइम पे मीडिया वाले बहुत गंदा न्यूज़ बनाते, क्यों उसे चीट कर रहा है। ये सुनने के बाद हमारी बंदी तो शॉक में आती है, वो बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो, तभी वहाँ पर उस मॉडल को लेके आया जाता है और उसके बाद उसको सच बोलने के लिए बोला जाता है। ये मॉडल एक नंबर की कमी लड़की थी, पहले तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी मुझे लड़की सांची की बीवी हो सकती है, लेकिन फिर भी अब मेरे जाने से अच्छा है तो उतने रुपये टेक लेना, वो सॉरी बोलती है। और उसके बाद जीजी का गलतफहमी दूर हो जाता है, और उसके बाद में पता चला इसी ने जान उसके एक्सपोज भी करवाया था, इन दोनों का कुछ चल रहा है ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करें। और उसके बाद उसके अच्छी खासी दुलाई होती है, उसे वहाँ से भगा दिया जाता है, और उसके बाद
जो सांग जी था उसके पास वो शॉप का जो ओनर था वो रिंग दे के बोलता है आपका कस्टमाइज रिंग, और उसके बाद वो जी जी को बोलता है पहना हो जाए, हम दोनों ने अब तक फॉर्मल रिंग तो पहना नहीं, बोल के उसे रिंग पहनने के लिए बोलता है। जी जी को सॉरी बोलना था और सॉरी भी बोल लेते क्योंकि उसने हमारे बंदे को गलत समझ दिया था। वो बोलता है कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लो, छोटी मछली बात के लिए मैं कभी सीरियस नहीं होता, लेकिन अगर दोबारा तुमने मुझ पर डाउट किया उससे पहले मुझे पूछ लेना। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, और उसके बाद वो बोलता है तुम मेरी पीपी हो, तुम्हें अच्छे से रखना, तुम्हें कुछ रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगोगी, मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें चीट नहीं करूँगा, टेंशन मत लो, ऐसा वो बोलता है। और घर पे जाने के बाद दिखाया जाता है जो जीजी थी वो अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है, लेकिन उसके हाथ पे कट लगने की वजह से उससे शॉर्ट निकला जा रहा था, और उसके बाद वो बोलता है मेरी शॉर्ट खोल दो। वो बोलती है पर मैं कैसे कर सकती हूँ, तभी वो बोलता है तुम मेरी बीबी हो, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा, मैं दादाजी को बोलूँ। वो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, और उसके बाद उसका शॉर्ट ओपन करने लगती है। इस मोमेंट पे दोनों बहुत प्यारी गा रहे थे, लेकिन बाद में उसे रोक देती है, और उसके बाद वो वॉशरूम में गया था। और उसके बाद जो जीजी थी वो सांग जी को बोलती है तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए, वो बोलता है नहीं नहीं मदद तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम करना चाहती हो तो आई डोंट नो, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद वो जाने वाली थी, उल्टा उसके ऊपर गिर जाती है, उसके चेस्ट पे उसके दोनों हाथ लगे थे, और बोलती है सॉरी 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 मैं गलती से हुआ है। ये सुनने के बाद जो संजीत था तो जीजी को बोलता है तुम मेरी बीबी हो, तुम हक से टच कर सकते हो, आई वोंट माइंड। ये सुनने के बाद वो तो और लड़ाई चुके वहां से भाग जाती है। अगले दिन में दिखाया जाता है हमारी पेपी आती है, और उसके बाद वो बोलते हैं तुम्हें पता है जियानवी का क्या वायरल हो रहा है, दरअसल उसने एक ड्रामा किया था जिसमें कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक सीन था जो वायरल हो रहा था। ये सुनने के बाद जो चीजी थी हंसी लगती है और बोलती है कोई बात नहीं, और उसके बाद पेपे बोलते हैं आरिश तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है ना, तुम ओपन कर चुकी हो। तभी जीजी बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स, मैं उस बुद्धू के लिए मैं क्यों वेट करूँगी और एक नंबर का चीटर आदमी के लिए। जीजी ने कहा तो बोलते कि चलो शुक्र है तुम कुछ अच्छा तो कर रहे हो, मुझे लगा था तुम्हें अभी भी फर्क पड़ता होगा। उस समय पे वहाँ पर ये सारी बातें हमारा सांग जी भी सुन रहा होता है, सांग जी उन दोनों को ऐसे घूर के देख रहा था, और जीजी तो गई वो इतनी घबरा जाती है कहीं इसने कुछ सुना नहीं और फिर से ये बहुत गुस्सा करेगा। और उसके बाद वो बोलता है अंदर आओ। अब यहाँ पर जो पीपी थी उसे ऐसा लगा इस कंपनी में हम ऐसे टाइम पास कर रहे थे, प्रेसिडेंट को गुस्सा आया होगा, अब मेरी दोस्त की तो लग गई। और उसके बाद जीजी अंदर जाती है, और उसके बाद वो अंदर जाने के बाद वो बोलता है दरवाज़ा बंद करो, वो दरवाज़ा बंद करती है, और उसके बाद वो उसके नज़दीक आती है और बोलती है देखो तुम जैसा सोच रहे ऐसा कोई बात नहीं है, उसका मेरा कुछ नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कहते, वो बोलते हैं कि वो बोलता है कोई बात नहीं, और उसके बाद वो बोलता है एक काम करो फ़ोन देखो, उसमें फ़ोन में भर भर के जानने के मिस कॉल्स आ रहे थे। बोलती है बस एक कॉल करा मैं नहीं उठाने वाली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है नहीं नहीं तुम उठाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन उठाती है। और उसके बाद वहाँ पर वो बोलता है स्पीकर पे लगाओ, स्पीकर पे लगाती है। और उसके बाद जी हमने बोला था उसका अंदरा जो भी रोमांटिक सीन था वो बस सीन था, वायरल हो रहा है, यूजलेस चीज़ें, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ तुम्हें तो पता ही है ना। ये सुनने के बाद वो ना कुछ बोलते उससे पहले जो सांग जी था वो बोलता है बेबी ये कौन है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है फिर से एक बार। और एक लड़के के आवाज़ सुनने के बाद जी हमने बोला था कौन है वहाँ पर कौन बात कर रहा है, कौन लड़का है तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद जो सांग जी था वो जीजी को बोलता है बेबी बताना जरा मैं कौन हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती है ये मेरा हस्बैंड है। और उसके बाद जो सांग जी था वो फोन को काट लेता है। और उसके बाद जो जीजी थी वो बहुत डरी हुई थी कि ये पता नहीं क्या करेगा, बहुत गुस्से में लग रहा है। और उसके बाद जो जीजी थी उसको सांग जी किस करने लगता है और बोलती है बाहर मेरी फ्रेंड है तो वो देख लेगी। वो बोलते हैं तुम टेंशन मत लो मैं संभाल लूँगा। और उसके बाद वो लगा रहता है। और उसके बाद जो सांग जी था वो जीजी को बोलता है मैं तुम्हें पूरा ट्रस्ट करता हूँ लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी तुम्हारे आसपास आए। और उसके बाद बोलता है जाओ बाहर। और उसके बाद वो चलक जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सांग जी था वो मनी मन में सोचता है मुझे पता है तुम उसके पास नहीं जाओगे लेकिन अगर इस बंदे ने तुम्हें परेशान करा बंदे किया तो हो सकता है ये अपने आप को इस सिटी से बाहर पाए। और उसके बाद बाहर जाने के बाद जो पेपर थी वो वेट कर रही थी सांग जी, जो सांग जी और जीजी के बात खत्म होने के बाद वो बाहर आता है। वो बोलती है प्रेसिडेंट ने क्या बोला इतना टाइम क्यों लगा। वो बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं, वो मनी मन में सोचती है इसने कुछ दिखा तो नहीं। और उसके बाद वो बोलती है पक्का उन्होंने गुस्सा क्या होगा ना, प्रेसिडेंट गुस्से में लग रहे थे हम टाइम पास कर रहे थे कहीं तुम्हें जॉब से तो नहीं निकाला। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं ट्रस्ट मी। और उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसी बात नहीं तो इतना टाइम क्यों लगा, एक सेकंड तुम्हारा लिपस्टिक बिखरा क्यों है जैसे कि तुमने कभी किसी को किस किया हो। वो घबराती हुई बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जो हमारी पेपर थी वो बोलते हैं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी तुम डर क्यों रही हो। और उसके बाद वो बोलते हैं तुम्हें प्रेसिडेंट में कभी सोच सकती हो कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है उनका स्टैंडर्ड क्या है और हम जैसे एवरेज लड़कियों को कभी भी इतने रिच प्रेसिडेंट देखते नहीं हैं, हम बस उनके लिए एंटरटेनमेंट के सोर्स है। ये सुनने का तो बोलती है कि सही कहा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पेपे थी वो बोलते हैं एक पार्टी होने वाला है उसके लिए ना मुझे लगता है हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं चलो कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। शॉपिंग है एक ड्रेस जो चीजी के ऊपर बहुत जज रहा था और वो बोल रही थी कि आज तो तुम्हारे ऊपर सबकी निगाहें बनेगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहीं पर आती है एक लड़की नाना, नाना जो
जी अंगली को डेट कर रही थी और उसको यहाँ पर उसको इतनी खूबसूरत देख के तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो बोलते कि क्या बात है, भिकमंगे लोग भी इतने बड़े बड़े शॉप पे आके कपड़े खरीदने लगे। और उसके बाद जीजी और पेपे का तो प्लान ही था इसको इग्नोर मारे, लेकिन ये तो कम्प्लीटली अपने औकात से बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो उस ड्रेस को जो अभी यहाँ पर जीजी पहन रही थी उसी ड्रेस को लेने की जिद करने लगती है। वहाँ पर मैनेजर को बुलाती है, शॉप की एम्प्लॉय को बुलाती है, बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करवाती है। वो बोल रही होती है मुझे ड्रेस चाहिए किसी भी कीमत पर, इसका मैं दुगना पे करूँगी। तभी जो जीजी थी वो बोल रही थी कि ना तो मैं भी पे कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है, तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। तभी जो थी ओ उससे नाना बोलती है इसकी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद वहाँ पर मैनेजर उस शॉप का सबसे मेन ओनर था उसको बुला लेती है, और उसके बाद दोनों को परेशान करने लगती है, उसका फोन छीन कर जमीन पर तोड़ देती है। बेचारी जीजी सोच रही थी अपने इसमें को कॉल करेगी, उसने सोचा था परेशान नहीं करते, लेकिन फंस गई। और उसके बाद वहाँ पर आपसता है हमारा बंदा, और उसके बाद उसको देखने के बाद तो शॉप का ओनर शॉक में आता है और वो बोलता है ये आपकी। ये सुनने के बाद वो बोलता है वो जरूरी नहीं है कि ये मेरी कौन लगती है, लेकिन इतना याद रखना अगर इसको कोई परेशान करेगा तो उस टाइम पे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो बोलता है अगर दोबारा इसके साथ कभी कुछ ऐसा उल्टा सीधा हुआ उस टाइम पे तुम्हारा शॉप इस शहर से बाहर हो जाएगा। और उसके बाद वो सॉरी बोलता है, और उसके बाद नाना को घूर के देखता है। वो बोलती है प्रेसिडेंट मुझे नहीं पता था आपको इसको परेशान करने से इतना फर्क पड़ता है। वो बोलता है मुझे फर्क पड़ना है ना पड़ना वो मैटर नहीं करता, तुम मेरी एम्प्लॉय को यहाँ पर इस तरह से परेशान करो मैं ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम जितनी भी बड़ी मॉडल हो। और उसके बाद अपने असिस्टेंट को बोलता है आज के बाद इसको नाइट पे लगा दो, हमारा जो नाइट क्लब है उसी पे वो डांस किया करेगी, बाकी अब फिल्मों से इसको निकाल दो, ऐसा बोल लेती है। और उसके बाद उसको वहाँ से भगाया जाता है। और उसके बाद अब क्या बोलती जीजी बेचारी अपने फ्रेंड को, उठ घबरा रही थी कि ये पता नहीं क्या सोच रही होगी मुझे क्या बताना है। तभी वो बोली थी देखो तुम जो सोचे ऐसी कोई बात नहीं। तभी वो बोलती है नहीं नहीं मुझे समझ में आ गया, मुझे लगता है मिस्टर सांग बहुत अच्छी है और मैंने सुना हुआ है कि वो किसी लड़की को बहुत लाइक करती थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें वो जगह दे दी हो, वो उसकी सब्स्टिट्यूट मान रही है। कोई बात नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बोल के उसे करा देती है। और उसके बाद जो जीजी थी अपने दोस्त के सौ सवाल का आंसर करने से अच्छा यही गर्लफ्रेंड में पाले ऐसा सोच के चुप हो जाती है। जीजी बड़ी प्यारी बनके पार्टी में आई हुई होती है और सांगजी उसके साथ था, सांगजी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जीजी बोलती है मैं नहीं चाहती हमारा रिश्ता एक्सपोज हो, तो प्लीज इतना कंसिडर करोगे। वो बोलता है कोई बात नहीं। और उसके बाद वो वहाँ पर आगे जाता है, उसी टाइम पे वहाँ पर आता है जी अंगली। जीजी बोलता है कि तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं करे, तुम मेरी बात समझो, उसका मेरा कुछ नहीं है। तभी जीजी बोलती है तो मैं क्या करूँ। तभी वो बोला होता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है आज भी तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे, तो प्लीज मुझे छोटी दान के बारे में सोचना मत, मैं कभी अलाउ करूंगा ही नहीं, ये बंदा तो कुछ ज्यादा हो गया। वो बोल रही होती है प्लीज ये सब कुछ करना बंद करो, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। वो सुनता नहीं, इवन पेपे उसे एक जोर का लगाती है और बोलती है मेरी फ्रेंड का लाइफ तबाह करना बंद करो, ऑलरेडी अभी बंद कर चुकी है। और उस टाइम पे वो बोल रहा होता है नहीं ऐसा हो नहीं सकता। और उसके बाद पेपे के पास उसका और उसकी जो महबूबा थी उसका वीडियो था, वो प्ले करके बोलते हैं ये देखो तुम मेरी फ्रेंड को चीट कर रहे हो, तो मुझे पहले ही पता था, अच्छा हुआ उसको सही वक्त आने पर रियलाइज हो चुका है, तो मेरी लाइफ मेरी फ्रेंड जो है उसको तुमसे बेटर बंदा मिल चुका है, छोड़ो उसे। वो छोड़ नहीं रहा था, छोड़ नहीं रहा था। तब वहाँ पर हमें दिखाया जाता है आप होता है सांगजी, सांगजी बोलता है ये मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, मेरे ऑफिस के पार्टी में तुम्हारा और हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है ना, तो क्यों यहाँ पर हो। वो बोला था ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं आ सकता। वो बोलता है नहीं ये मेरा पार्टी है, मेरा पार्टी कोई ऐसे ऐसा आके खराब नहीं कर सकता। उसे धक्का देता है, जीजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो तो शौक में कि इस बंदी को किस हक से लेके गया। और उसके बाद उसे एक दो और मोमेंट याद आते हैं जहाँ पर उन दोनों की बात चल रही थी, बीच में जीजी को लेकर चला जाता था। उसे गाल में कुछ काला लगता है, वो किसी को कॉल करता है और वो बोलता है तुम जो जीजी है उसके ऊपर हमला करने का ड्रामा करो, मैं उसे बचा लूंगा, फिर से दोबारा मैं उसका भरोसा जीत लूंगा जिस तरह से मैंने कुछ सालों पहले उसका भरोसा जीता था। उसे अभी भी लगता है कि मैंने उसकी जान बचाई, जो चरासर झूठे मन में सोच के कुछ हो ही जा रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी जीजी थी उसको एक थोड़े सांचे का लेके जाता है, उसे किस करने लगता है। जीजी तो घबरा जाती है, बोलती है क्या करो कोई देख लेगा। वो बोलता है फर्क पड़ता है। तभी वो बोलते हैं नहीं फिर भी लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वो बोलता है मेरी बातों पर ध्यान दो वरना मैं पता नहीं क्या करूंगा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। और उसके बाद दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है, फोन कंटिन्यूसली आ रहा था, पेपे का पेपे रोक रही थी अपने दोस्त को। और उसके बाद वो देखती है दो लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसे ये पता चलता है एक तो सांगजी है लेकिन लड़की नहीं दिख रही थी क्योंकि लड़की पूरी तरह से चिप गई थी, क्योंकि आप लोग देख सकते हो सांगजी का जो हाइट है वो जीजी को कवर करने के लिए हो। वो सोचती है चलो इतने ज्यादा क्यूट से कपल है तो इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, वो खांसने का ड्रामा करती है, जिसकी वजह से जो जीजी थी वो सांगजी के इसे सामने छुप जाती है। और उसके बाद वो आगे भाग जाती है। ओह उससे बोलता है मेरी बातों पे ध्यान दो, तुम अभी भी उसके साथ नहीं जा सकती, वो तुम्हारे पास आके क्यों बात कर रहा है तुम्हारे साथ, उसको क्या जरूरत पड़ी है तुमसे बात करने की। जीजी बोलती है मुझे नहीं पता तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना। वो बोलता है हाँ मैं करता हूँ लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से
पता है मैं तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव हूँ। ये सुनने के बाद जीजी बोलती है उसका मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, उसी दिन खत्म हुआ था जिस दिन उसने मुझे चीट किया था। तो अब तुम मुझे मुझ पर इतना ट्रस्ट करो कि वो हजार बार मेरे से आके बात करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलने के लिए लॉयल हूँ ऐसा वो बोलती है। वो बोलता है आई होप तुम अपने वादे पर टिकी रहोगी। और उसके बाद वो उससे बोलता है जाओ यहाँ से और वो बाहर निकलती है। और ये क्या हमारी पीपी उसे पकड़ लेती है। वो बोलती है तुम मुझे क्या करी हो। वो बोलती है मैं तो उसे टहलने थी बहुत गर्मी थी ना इसीलिए। वो बोलती है मिस्टर संग तुम्हें क्यों लेके आए थे। वो बोलती है मुझे बस बात कर रही थी मुझे डांट रहे थे कि मेरा एक्स बॉय बना के मुझे परेशान कर रहा है कंपनी का माहौल खराब हो रहा है। वो बोलती है सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारा ये क्यों खराब हो रहा है बहन। वो बोलते हैं गर्मी में आपने मुझे लगता है तेल लिया होगा। वो बोलते हैं झूठ मत बोलो वाटर प्रूफ लिपस्टिक है। और उसके बाद वो बोलती है अच्छा छोड़ छोड़ ये सब चीज़ें तो पता है मिस्टर संग किसी को किस कर रहे थे और हाइट बहुत छोटी सी थी मुझे लगता है तुम्हारे आसपास की हाइट वाली लड़की होगी कहीं तुम तो नहीं थी। वो घबरा के बोलते हैं क्या बकवास कर रही हो वो ऐसे खांसने लगती है और देखो प्रैक्टिस ही हो रही थी लेकिन छुपाना भी तो था। वो बोलती है अरे तुम ऐसे क्यों रहा करो जैसे कि मिस्टर संग तुम्हें किस कर रहे थे। अरे मैं मजाक कर रही थी मुझे पता है तुम और कहाँ मिस्टर संग ऐसा हो ही नहीं सकता वो मुझे पता है। तभी जो जैसे थी वो बोलती है वही तो तुम मेरा कुछ भी बकवास करती रहती हो चलो पार्टी पे पता नहीं क्या हो रहा होगा पार्टी पे ऐसा वो बोल देती है। जो सुने का तो हंसती है पार्टी में चले जाते हैं जहाँ पर जो स्वामी संग जी था वो कंजूसी जी को देखे जा रहा था। फिर वो बोलती है मुझे लगता है प्रेसिडेंट को तुमसे प्यार हो गया देखो ना किस तरह से देख रहे हैं। बोलती है बोलती है तुम आप खाने पुलाव पकाना बंद करो और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो ऐसा वो बोलती है। ये लोग पार्टी में फोकस करते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है जब जीजी पार्टी से निकलते बाकी नेगा की तरफ आ रही होती है क्योंकि सांगजी ने बोला था गाड़ी में आ जाना। तब वहाँ पर कुछ लोग आके उसे परेशान करने लगते हैं बहुत गंदा वाला परेशान था। और उसके बाद जो जंगली था वो ये सब कुछ देख रहा था वो सोच रहा था चलो अब हीरो बनने का टाइम आ गया और वो वहाँ पर जाके उसे बचाने का प्लान कर ही रहा होता है। पहुँच जाता है हमारा सांग जी संग उन लोगों को कुत्तों की तरफ पीटने लग जाता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो जंगली था उसका तो पूरा प्लान फ्लॉप हो गया मतलब एक और बार इसका भरोसा जीतने के लिए जो उसने जाल बिछाया था वो तो पूरी तरह से टूट गया। और उसके बाद वो बोल रहा होता है ये यहाँ पर क्या आ गया क्यों आ गया। और उसके बाद जीजी को दिखाया जाता है जीजी बेहोश थी। और उसके बाद वो बोल रही थी कि तुम आ गए और उसके बाद उसे ऐसे हक करती है। और उसके बाद सांग जी बोलता है डोंट वरी जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई परेशान कर नहीं सकता। वो बोल रही थी कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मुझे लगा था कि मैं आज गई। और उसके बाद वो उसे गोदी में उठाता है। और उसके बाद वहाँ पर आप पहुँचता है जियांग ली। वो बोलता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। उसे एक मुक्का मारता है कि मुझे लगा था ये भी जीजी को हार्म करने वाले लोग हैं। और उसके बाद वो बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं लेके जाता हूँ। वो उसे बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है इसने क्लियर बोला था ना इसके आसपास मत आओ तो तुम क्यों आए। ये सुनने के बाद वो बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड है आप नहीं समझ रहे हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी लेकिन कॉपर्स में लड़ाई नॉर्मल। तभी जीजी बोले होती है आप भी प्लीज घर पर लेके चलो ना हम भी मतलब हस्बैंड क्या। वो बोले थी प्लीज घर पर लेके चलो। ये सुनने के बाद अब यही तुम चलिए था संग जी को। संग जी बोलता है तुमने मुझे अभी क्या बोला। वो बोलती है नशे की हालत में वो बोलती है थोड़ी सी बेहोशी की हालत में तो मेरे हस्बैंड तो हस्बैंड ही बोलूंगी ना। और उसके बाद बोलते प्लीज मुझे जल्दी से घर पर लेके चलो जी हमने बताया ये तुम्हें हस्बैंड क्यों बोले। ये सुनने के बाद सांग जी बोलता है मुझे ये सब कुछ वो करने की जरूरत नहीं किसी अरे गहरे के सामने मेरा और सांग जी का क्या रिश्ता है लेकिन तुम्हें मुझे लगता है अपने औकात तो दिखी गई होगी तो आज के बाद तुम जीजी के आसपास दिखी या फिर जीजी को परेशान करते हुए दिखे तो उस टाइम पे तुम्हारा जो करियर है ना चढ़ता हुआ करियर जिस जीरो लेवल पर मैं लेके आऊँगा वो तो तुम्हें अच्छे से बताए। अब हर वहाँ से बोल के उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और उसके बाद वो जीजी को लेकर चला जाता है। और उसके बाद जी अगली थोड़ा थोड़ा करके बातों को समझ लेता है वो तो पूरी तरह से बर्दाश्त कर नहीं पा रहा था वो सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। घर पे ले जाने के बाद सांग जी जीजी को बोलता है तुम यहाँ पर वेट करो मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे बोल रही थी नहीं मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए मुझे अपने हस्बैंड चाहिए। ये सुनने के बाद वो शॉक में। और उसके बाद जो जीजी थी वो सांग जी को अपने पास खिसके किस करती है वो तो और ज़्यादा शॉक में आता है। और उसके बाद वो बोल रहा होता है तुम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो डॉक्टर आ रहे हैं। वो बोलती है नहीं मुझे अपने हस्बैंड चाहिए मुझे अपने सांग जी चाहिए ऐसा वो बोलती है। उसकी इतनी खरीब थी और ये बंदा इसको पागल के जैसे प्यार करता है इस बार इसको अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद वो उसके साथ वहीं पर नाइट एडजस्टमेंट कर लेता है। सुबह वाला सीन जब जीजी आंखें खुलती है उसकी हालत टाइट हो जाती है वो डर जाती है क्या गलत मैंने नशे की हालत में। और उसके बाद उठ के जाने वाली थी लेकिन सोचती है चलो सो लेती हूँ उसे ऐसे देख रही थी सोच रही थी ऐसे बंदा काफ़ी हैंडसम है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है संग जी बोलता है तुम्हारा ताड़ना हो गया। वो घबरा जाती है वो बोलती है आई एम सॉरी। और उसके बाद इधर की तरफ मुड़ती है वो उसे बोलता है मेरे पास आओ। और उसके बाद वो उसे बोलता है तुम्हें लगता है तुम इतना कुछ करने के बाद इजीली भाग जाओगी। वो बोलती है कल मैं थोड़ी सी खराब हालत में थी शायद
ये सुनने के बाद सांग जी बोलता है, एक बात बताओ, तुम जब भी खराब हालत में होती हो क्या तुम किसी लड़के के साथ टाइम स्पेंड करती हो, ये तुम्हारा कोई रोज का काम है? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं नहीं, और उसके बाद जाने वाली थी वो बोलता है जब तक तुम अपनी एक्सप्लेनेशन ना दो नहीं जा सकती। और उसके बाद वो बोलता है बाहर प्राइवेट डॉक्टर वेट कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो अभी भी डॉक्टर से मिल सकती हो। वो बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद सांग जी बोलता है तो अब मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए बताओ। ये सुनने के बाद सांग जी को जी जी बोलती है देखो ऐसा है, मन ही मन में सोचती है, थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है अगर कल रात तुम्हारी जगह कोई और मैन होता उस टाइम पे मैं प्राइवेट डॉक्टर का आने का ही वेट करती, बड़े प्यार से बोलती है। जो सुनने के बाद तो सांग जी हवा में उड़ने लगता है और बोलता है अगली बार से अगर कोई भी दिक्कत हो उस टाइम पे सबसे पहले मुझे कॉल करना, इस तरह से जांच की रानी बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर जगह पर मैं तुम्हें बचाने ना आ पाऊँ, मैं आऊँगा जरूर लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना आ पाऊँ। सुनने के बाद वो बोलती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे टेंशन में नहीं डालूंगी, मैं हेल्प मांगने के लिए आ जाऊंगी, टेंशन मतलब ऐसा वो बोलती है, उसे हक करता है। और उसके बाद वो बोलता है आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे छोड़ कर भी नहीं जा सकती है, तो तुम्हें पता है ना? वो बोलती है हाँ। और तभी उसके आंटी का कॉल आता है, उसकी आंटी बोली होती है कि तुमने शादी कर ली और तुम अभी भी मुझसे मिलने नहीं आई, अंकल को मिलने नहीं आई, मेरा छोड़ो अंकल के लिए तो आ जाती। इसी बात की वजह से जीजी को अपने अंकल से मिलने के लिए आना पड़ता है और गाड़ी में लोग जा रहे होते हैं। और उसके बाद जीजी सांग जी को बोलती है तुम मेरे साथ आए इसके लिए थैंक यू। वो बोलता है थैंक यू से काम नहीं चलेगा, किस करो बोल के गाल को दिखाता है और गाल की किस करने वाली थी लेकिन वो उसकी लिप्स पे किस कर देता है। जी जी बोलती है तुम हमेशा ऐसे करते रहते हो। वो बोलता है इतनी प्यारी बीवी होगी तो उस टाइम पे थोड़ा सा बेशर्मी तो बनता है। असिस्टेंट यहाँ पर बस ऐसे डिसीजन कर रहा था कि ना तो इसकी आंखें ना तो कान है, क्योंकि इतना रोमांस उससे भी हैंडल हो नहीं रहा था, वो सोच रहा था सिंगल ही मरूंगा। और उसके बाद असिस्टेंट बोलता है मैम दरअसल क्या है ना, आज पहली बार अपने ससुराल पे बॉस भी जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 7 ट्रक भर के गिफ्ट भेजे हुए हैं और पीछे से आ रहे हैं सारे गिफ्ट। वो शौक में आती है और वो बोलती है ये सब कुछ करने की जरूरत थी नहीं। ये सुनने के बाद जो हमारा बंदा था वो बोलता है नहीं जरूरत क्यों नहीं थी, तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड हो तुम मेरी बीवी हो, उस टाइम पे मेरा फर्ज बनता है तुम्हें कुछ रखना, ऐसा वो बोलता है। दोनों चले जाते हैं आंटी से मिलने के लिए, आंटी को पता ही नहीं कि ये बंदा कौन है, क्योंकि जियांगली ने दूर बोल दिया था कि ये बंदा कोई ओल्ड ड्राइवर है और उसी हिसाब से वर्ताव कर रही होती है। और उसके बाद वो जीजी को बोल रही होती है तुमने ऐसे राह चलते इंसान से शादी कर लिया, हमें बताया भी नहीं, तुम्हें पाल पोस के बड़े करने में हमें कितना मेहनत लगा था तुम्हें पता है। और उसके बाद जो सांची था उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता और उसके बाद वो बोलता है मेरी बीबी के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए क्योंकि आप मेरी बीबी के आंटी हो, वरना मैं आपको बिल्कुल भी ना छोड़ता। वो बोल रही होती है हाँ तुम तो ऐसे प्रेजेंट करे जैसे कि तुम सांग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, ये तो है ही ना प्रेसिडेंट, कोई याद दिलाओ आंटी को, खैर छोड़ो बाद में आंटी उठेंगी सपने से। और उसके बाद वो बाहर की तरफ जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो सांग जी था वो जीजी को बड़े प्यार से देख रहा था। सांग जी को जीजी बोलती है तुमने मेरी हेल्प की थैंक यू। ऐसे नहीं की बात जो सांग जी था वो बोलता है देखो बेबी ऐसा है तुम इतने प्यार से मुझे देखोगी ना तो मैं तुम्हें यहीं पर किस कर दूंगा तो थोड़ा ध्यान से। वो बोलती है नहीं यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद में दिखाया जाता है आंटी आती है उनके लिए कुछ खाने का चीज़ देने का ड्रामा करती है, आंटी आती है और उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ लेके आई हुई थी जो जियांगली को पसंद था। जियांगली और जब जीजी एक दूसरे के साथ होते थे उस टाइम पे वो क्या करते थे, उसका फेवरेट खाना, उसका फेवरेट फूड, उसका फेवरेट ड्रेस, उसका फेवरेट कॉप से लेकर सारी चीज़ें जो जियांगली और उसके साथ में किया करते थे। और उसके बाद जीजी समझ चुकी थी आंटी जी यहाँ पर उसको आज के लिए इन्वाइट की थी, इसी बात की वजह से वो बड़े प्यार से और बड़े स्मार्टली आंटी को हैंडल कर रही होती है। उस समय पर हमें ये दिखाया जाता है ये जीजी थी वो थक चुकी थी, वो सारी चीज़ों को डस्टबिन में फेंकती है और वो बोलती है अब मैं मैरिड हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं डरी हुई थी कि सांग जी उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, उसे बताए उसका बंदा कितना पॉजिटिव है। और उसके बाद आंटी बोलती है एक काम करो तुम अपने कमरे तक अपने हस्बैंड को लेके जाओ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनने के बाद बोलते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। आंटी बोलती है क्यों तुमने कमरे में कुछ ऐसा छुपाया हुआ है कि अपना पास जो अपने हस्बैंड को दिखाना नहीं चाहती। ये सुनने के बाद वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं। सांग जी बोलता है चलो चलो तुम्हारे कमरे मुझे देखना है। और उसके बाद वो दोनों ऊपर की तरफ चले जाते, ऊपर जाने के बाद तो वहाँ पर तो भर भर की जियांगली और जो जीजी है उन दोनों के मोमेंट्स वाले फोटोज थे, इतने प्यारे मोमेंट्स थे लेकिन इसको टाइम से लेकर सब कुछ ये देखने के बाद तो जो हमारी जीजी है वो डर जाती है, उससे लगा आज तो ये गई। और उसके बाद वो बोलती है मेरी बात सुनो तुम जो देख रहे हो ऐसा कोई बात है नहीं, अभी मुझे फंसाना चाहती है इसकी वजह से सब कुछ कर रही है।
और उसके बाद एज होने के बाद जो सांग जी था वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आएगा, ये फोटो देख कर ही लग रहा है ये फोटो बहुत पुरानी है और तुम्हारी आंटी तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है। उनकी बातों से निश्चय हो गया कि वो यहाँ पर अच्छी बात उसे तो हमें बुलाई गई थी। और वो बोलते हैं हमें वही बोले थी, दोनों इस बात करते करते बाथरूम तक पहुँच चुके थे क्योंकि वो जो वीडियो पहन गया बैठे पीछे पीछे चल रही थी और जो संगीत था उसके आगे आगे चल रहा था, मतलब कदम बढ़ाया जा रहा था। और इसके बाद जी जी बोलती है ट्रस्ट में मुझे उसके बीच में कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं। ये सुनने के बाद जो संगीत था वो बोलता है मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मुझे कभी भी चीट नहीं करोगे और तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं तुम्हारे कितना पॉजिटिव हूँ, उसकी हिम्मत होगी क्या वो तुम्हारे लिए दोबारा आने की ट्राई करे और मैं आने दूँ, ऐसा कभी होगा नहीं, उसको किस करने लगता है। और उसके बाद वो तो शौक में आती है और उसके बाद उसे रोकती है और वो बोलते हैं प्लीज यहाँ नहीं, ये लोग बोलती है। ये सुनने के बाद संग जी बोलता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ जाएगा, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड आ जाएगा उस टाइम पे तुम्हें एम्बेरस फील होगा। वो बोलते नहीं बाथरूम में नहीं, उसे उठा के उधर में लेके चला जाता। आम भी तो उम्मीद लगा के रखी हुई थी आज दोनों में तो डिवोर्स हो ही जाएगा, इसके बाद जयनी से जो पैसे लेके ये सब कुछ की हुई है डबल पैसा मिलेगा और खुश हो रही थी। आधा घंटा हो गया अब तक आए नहीं, चलो आज उन्होंने कहा तो थोड़ा करवा ही दूंगी, उनको क्या पता अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद दोनों वापस आते हैं, आंटी बोलते थे कुछ तो मिला ही होगा ना जमाई सा, इसने कहा वो बोलता है संजय आंटी आप कितनी प्यारी हो पता है, जब भी आप हमारे लिए कुछ रिफ्रेंस लाने की ट्राई करते हो हम और करीब आते हैं, थैंक यू आंटी। ऐसे की बात तो शायद क्या बकवास कर रहे हो, तभी जो संजी था वो बोलता है आपको ना मैं 6 फुट का आदमी दिखता होगा लेकिन जितनी मेरी हाइट है ना उतना अकल का अंदा नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है मेरी वाइफ मेरे लिए क्या कर सकती है क्या नहीं, और मैं अपने वाइफ के पास को लेकर कभी भी इतनी ज्यादा कोई इश्यू बनाऊंगा नहीं, ऐसा ही बोलता है। वो जाने वाला होता है तभी वहां पर आग बोलता है जी अंगली जी पाव का बुक लेके आया हुआ था, वो बोलता है तुम मेरे यहाँ पर क्या करो तुम इसके साथ क्या करो। ये सुनने के बाद जो संजी था वो बोल रहा था तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो ये पूछना चाहिए ये मेरी दीदी का घर है, वो बोल रहा था ये भी मेरी दीदी के सो सकती है। और तभी जो संजी था वो जी जी को बोलता है बताना बेबी, और तभी जो जी जी थी वो बोलते हैं हाँ ये मेरा हस्बैंड है और इसको वहाँ पर आने का हक है जहाँ पर मैं रहूँगी, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करो, वो बोला था नहीं ऐसा कैसे हो सकता है तुम तो सिर्फ मेरी हो, मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, मुझसे बोला इंडियन तुम्हें इसको चुट किया हुआ मैं बांध दूंगी मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और उसके बाद वो बोलता है प्लीज मेरे पास वापस आ जा, मुझे हंसने लगती है बोलते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और तभी जो संजी था वो अपने पकड़ से मेरा सर्टिफिकेट निकलता है और उसके बाद वो जैनी के मुंह पे मारता है और वो बोलता है ऐसे मुझे तुम्हारे सामने तुम्हारे घर के सामने कुछ ऐसी स्टूपिड सी हरकत करके अपना जीजी का रिश्ते को प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन तुम अपने हद से आगे बढ़ चुकी हो, अब तुम समझ में आगे आओगा तुम जीजी की तरफ एक भी कदम आगे बढ़ाए उस टाइम पर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि मैं जेल पर जाऊंगा तुम्हारी टांगें तोड़ के, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है आज के बाद मुझे मेरी बीबी को मत करना, निजी बोलती है अब मेरे हस्बैंड ने जो बोला वो तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, अगर तुम दोबारा ये सब कुछ करने लगे उस टाइम पे मैं भी अपने हस्बैंड को तुम्हें हार्म करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी और तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरा हस्बैंड क्या क्या कर सकता है, ऐसा और बोलती है। सो हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा था तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना मैंने जान बचाई है कुछ सालों पहले, ये सुनने के बाद सांची बोलता है बकवास करना बंद करो तुमने मेरी जान बचाई थी। और उसके बाद निजी सांची की तरफ देखता है देखती है अरे बोलती है क्या, तो वो बोलता है हाँ आई एम सॉरी मुझे ये सब कुछ तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ साल पहले मैंने तुम्हें जान बचाई थी जब तक मैं यहाँ पर मेडिकल हेल्प लेकर तुम्हारे लिए आया था, तब तक वहाँ पर तुम जा चुकी थी और मैंने तुम्हें सर्च करने की बहुत ट्राई किया, 5 साल पहले जब वो लाइब्रेरी में मिले थे उस टाइम पे उसने पूछा था क्या तुम सिंगल हो, लेकिन उसने बोला था मैं किसी और को लाइक करती हूँ, तो सारा क्रेडिट ए जी एन ले गया था, उसने झूठ बोल दिया था कि उसने उसकी जान बचाई जब वो बहुत ज्यादा पूरी तरह से बीमार पड़ गई थी, ये सब कुछ सुनने के बाद वो शौक में वो बोलती है इसने मुझसे झूठ बोला, इसके चक्कर में मैंने इसे अपनाया, मैंने इसको कभी भी पसंद नहीं करती थी, मैं उस बंदे को लाइक करती थी, उस बंदे के लिए मैंने अपने आप को बचा के रखा था, जो बंदा मेरे लिए इतना कुछ सैक्रीफाइस कर गया था उसने मेरी जान बचाई थी, इसका मतलब डे वन से मैंने गलत बंदे से प्यार किया, आई एम सॉरी, ऐसा बोल के रोने लग जाते हैं। सांझी बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बेवकूफ मैं था जो मुझे लगा तुम उसके साथ खुश हो, इसी बात की वजह से मैं पीछे हट गया था, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ तुम उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं हो और तुम्हें चीट कर रहा है, उसके बाद मैं फायर तुम्हारे पास वापस आ गया, मुझे माफ कर देना मुझे उस टाइम पर तुम्हें छोड़ा ही नहीं चाहिए था, मुझे हार माननी नहीं चाहिए थी। और उसके बाद सांझी जो था वो जयनी को बोलता है तुम्हें समझ में आ गया होगा हम दोनों का रिश्ता
बात का नहीं, जन्म जन्म का है और तुम जैसा कोई ऐड़ा गिरा के हमें खराब नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है। धीरे धीरे करके लग रहा था जीजी की लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि इतना लविंग केयरिंग हस्बैंड मिला था और उसके बाद दोनों का अच्छा खासा मूवमेंट भी चल ही रहा होता है। मतलब सांगजी जीजी से जितना प्यार करता है इतना किसी ने किया होगा जो उसके अलावा कोई और उसे खुश रख सकता था। और उसे कॉल आया, उसको ये पता चला उसकी आंटी बीमार है और उसे हॉस्पिटल पर मिलने जाना चाहिए। सांगजी नहीं चाहता था वो मिलने जाए, लेकिन अब जीजी इतना गोल्ड गाल अब कैसे मना करती, अब कुछ भी बोला, आंटी थी ना अंकल की बीबी, तो सोचती है चले जाते हैं। और उसके बाद सांगजी उसके साथ ही था, वो बाहर वेट करता है क्योंकि वो आंटी की शक्ल देखना नहीं चाहता था। और जीजी चली जाती है अंदर, अंदर जाने के बाद आंटी जो थी वो जीजी के कमरे में घुसा देती है, बंद कर देती है। जीजी को लगा कुछ गलत है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ स्मेल आ रहा था जो ऐसा था कि कुछ अजीब तरह सा। और उसके बाद वहाँ पर जियांगली आता है, जियांगली उसके साथ स्टार्ट हो जाता है जो करना चाहता था। वो बहुत घबराती है, सिंह पर कार दे जाता है और उस आधे घंटे तक वो आए नहीं। अब उसे डाउट हुआ, वो सोचता है कहीं कुछ गलत नहीं, वो भाग के जाता है अंदर। लेकिन अंदर तो जो जीजी होती है नहीं, सांग जी आंटी को बताए कहाँ पर है जीजी, वो बोलते मुझे क्या पता। तभी उसे बहुत गुस्सा आया, अंकल भी आ पहुंचे थे, अंकल बोलते क्या बोल रहे हो। तभी वो बोलता है कि आपकी बीबी ने मेरी बीबी को यहाँ पर बुलाया था, लेकिन अभी वो है नहीं, कहाँ गई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सांग जी है वो आंटी जी का गला पकड़ के बोलता है, सोचना भी मत कि मैं आपको छोड़ूंगा जस्ट बिकॉज आप जीजी की आंटी हो, मैं आपको कहीं करने छोड़ूंगा, हो सकता है आप भी यहाँ पर दम तोड़ दो, मुझे बताओ जीजी कहाँ पर है। और ये सुनने के बाद अंकल बोलते हैं मुझे शायद पता होगा, मुझे पता है मेरी बीबी कैसी है। और उसके बाद एक स्टोर रूम खुला जाता है, वहाँ पर जीजी जो थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी, वो घबरा रही थी, हाथ में चेयर पकड़ी हुई थी। बाद में पता चला वो जियांगली को ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से पीट चुकी थी, लेकिन वो घबराई हुई थी। वो वहाँ पर सांगजी को देखने के बाद थोड़ा सुकून की सांस लेती है, वो उससे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाता है। और उसके बाद वो बहुत घबराया हुआ था, वो अंकल जी को क्लियरली बताता है इस बार मैं अपनी बीबी को आपकी बीबी को नहीं छोड़ूंगा। जीजी ठीक हो जाते हैं, जीजी उठने के बाद वो उससे बोलते हैं मैं ठीक हूँ टेंशन मत लो। और तभी वो बोलते हैं एक बात बताओ उस शैतान का क्या हुआ। वो बोलता है वो वहीं पर है जहाँ पर उसे होना चाहिए। तब पता चला पिछले एक हफ्ते से हर दिन के एक घंटे के हिसाब से चार मुस्टंडों से जियांगली को हमारा सांगजी पिटवा रहा था, ताकि वो दोबारा किसी और लड़की के ऊपर इस तरह से नजर उठाने की हिम्मत ना करे। ट्रस्ट मी, जो हाल उसका था जो देखने के बाद तो मजा ही आ गया भाई गॉड। और उसके बाद सांगजी बोलता है किसी की हिम्मत होनी नहीं चाहिए, मेरी बीबी को हाथ भी लगाए और उसने तो इतनी बड़ी गलती की थी। और उसके बाद जीजी बोलते हैं टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ। और उसके बाद वो काम के लिए निकलना चाहती थी, वो उसे मना कर देता है नहीं जब तक ठीक नहीं होती चुपचाप यहीं पर रहो। वो उसे बोलते नहीं बाबा मैं ठीक हूँ, इतना भी मैं बीमार नहीं हूँ। और तभी उसे पता चला उसके अंकल आए हैं। और तभी जीजी को सांगजी बोलता है मैं नहीं जाता तुम अंकल से मिलो। तभी सांगजी को जीजी बोलती है पर वो मेरे अंकल है, आंटी मेरे साथ जैसी भी हो लेकिन अंकल ने हमेशा मुझसे प्यार किया है, अगर आंटी ना होती तो हमारा इक्वेशन ही कुछ और होता, मुझे मिलने दो। और उसके बाद वो अंकल से मिलने के लिए चली जाती है और फिर उसके घुटने में पड़ के माफ़ी मांगती है। उसके जो शेयर्स थे उसके नाम भी कंपनी के, वो सब कुछ उसको हैंड ओवर करते हैं। और वो बोलते हैं बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, शायद मेरी बीबी ना होती तो हमारा कुछ और बात बनता, हम दोनों अच्छी बाप बेटी की तरफ रहते। ये सुनने के बाद समझी जीजी को बहुत बुरा लगता है, वो बोलते हैं अंकल आप ऐसा कभी भी मत सोचना, आप मेरे हमेशा मेरे सुपरमैन थे, आप सब कुछ बोल रहा, आप हमेशा मेरे बहुत मायने रखती हो, आपको जब भी मन करेगा आप मेरे पास आ सकती हो। ये ठीक हो जाती है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो जीजी थी, जीजी और सांगजी दोनों अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं और उसके बाद सबके सामने अपना रिश्ता कबूल करते हैं, मतलब दोनों कपल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश तो पेपे थे क्योंकि पेपे तो ख्याली पुलाव पकाती रहती थी, इन दोनों के बारे में वो कहीं ना कहीं सच साबित हो गया। वो तो डांस कर रही होती है, वो बोलती है फाइनली मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। और उसके बाद जो सांगजी का बेस्ट फ्रेंड था उसके पास आता है और बोलता है कंग्रेचुलेशन भाभी, फाइनली मेरे दोस्त की इतने साल की मन्नत पूरी हुई, वो कॉलेज पर इसलिए तो आता था ताकि आपको देख सके। ये बोलने के बाद वो बोलेगी क्या, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है हाँ आपको पता है उसका कॉलेज 10 किलोमीटर दूर था आपके कॉलेज से, जहाँ पर मैं पढ़ता था वहीं पर तो आप पढ़ती थी, आप मेरी जूनियर थी, आप भूल गई। वो बोलते हैं शायद मैंने आपको कहीं देखा है। और उसके बाद उसे पता चला जो सांगजी है उससे मिलने के लिए सिर्फ उसको देखने के लिए कॉलेज पर आता था, लेकिन कॉलेज तो स्ट्रेंजर को अलाउ नहीं करती, वो स्ट्रेंजर वाली बात है। अब जो बंदा कॉलेज को लाखों डोनेशन दे सकता है उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। सिर्फ वो जीजी को मिलने के लिए, जीजी को एक नज़र देखने के लिए वो कॉलेज की लाइब्रेरी पर लाखों का डोनेशन दिया करता था, जिस बात की वजह से उसे कभी वहाँ पर रोका नहीं गया। ये सब कुछ होने के बाद जीजी तो शौक में वहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जीजी बहुत इमोशनल होती है क्योंकि इस गेम के दौरान इसे ये पता चलता है कि सांगजी उससे कितना प्यार करता है, कितना प्यार यार, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिले तो उसके बाद लड़की तो पागल होनी थी ना। वो बहुत खुश थी, अपने आप को बहुत किस्मत वाली मान रही थी कि इतना प्यार करने वाला बंदा उसे मिला है। और उसके बाद उसे सॉरी बोलती है अगर उसका जियांगली का
इस तरह से ब्रेकअप ना हुआ होता तो शायद वो उससे और वेट करवाती। तभी सांगजी उसे बोलता है मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा था, तुम टेंशन मत लो। एंड देन हम देखते हैं रात वाला सीन जहाँ पर अपने बेडरूम पे जीजी होती है, उसे कल करता है जियांगली, उसे बोल रहा होता है मुझे तुम्हें कुछ पता नहीं। जियांगली को सांगजी जो जीजी थी वो बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, फुटो यहाँ से। वो उसे बोलता है उसने ऐसा कुछ ट्रैप किया है मेरा तुम्हारा ब्रेकअप करवाने के बाद, वो तुम्हें पाना चाहता था। और उसके बाद वो बोलता है उसने मेरे सारे वीडियोज वायरल करवाए और उसके बाद तुम्हें उस टाइम पर मुझ तक पहुँचाया जिस टाइम पर मैं अपनी बंदी के साथ लगा हुआ था, ऐसा कुछ उसका ट्रैप है, वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसे बोलती है बकवास बंद करो फोन रखो। लेकिन बाद में उससे कुछ इम्प्रूव भेजता है जहाँ पर क्लियरली जो सांगजी वो तो स्ट्रगल लग रहा था, वो तो शॉक में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सांगजी आता है, वो बोलता है तुमने लाइट ऑफ क्यों की। तभी उससे बोलती है मुझे सच बताओगे, वो बोलता है क्या सच। तभी वो बोलती है क्या तुमने कभी मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो मुझे पता नहीं, वो बोलता है तुम क्या जानना चाहती हो। और उसके बाद उसके मुँह पर वो सारे प्रूफ फेंकती है और बोलती है क्या तुम डे वन से मेरे ऊपर नजर बना के बैठे हुए थे या फिर तुम बस मुझे पाना चाहती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। सांगजी बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी वो बोलती है नहीं मुझे ऐसा ही लगता है तुम्हारे लिए ऑब्सेशन हूँ मैं, तुम बस मुझे हासिल करना चाहते हो किसी भी कीमत पे, मुझे हासिल करके सबके सामने खुल पाना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे अपनाया था ना, इसलिए तुमने मुझसे फोर्सफुली मैरिज करने का ड्रामा किया था ना, इसलिए तुमने मेरा आज एंगल का ब्रेक करवाया था। वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तभी जीजी उसे बोलती है प्यार में कभी भी ना झूठ नहीं टिकता, तुम्हें लगता है जब चियांगली ने मुझसे झूठ बोला मैं उसको छोड़ सकती हूँ तो तुम्हारे साथ मैं रहूँगी, ऐसा तुम्हें कभी लगता है। सुनने की बात जो सांगजी था वो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे छोड़ो या नहीं छोड़ो लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। जीजी को बहुत बुरा लगता है, वो वहीं पर बैठ कर रोने लगती है। और उसके बाद वो बोलती है मैं अपने घर वापस जा रही हूँ और मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी। और उसके बाद कुछ समय तक ऐसा दिखा जाता है जीजी जो थी अपने अंकल के साथ रहने लगती है, लेकिन यही जरूर था कि अंकल और सांगजी बेटी में बात हो चुकी थी और अंकल अपने बेटे की बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है असिस्टेंट सांगजी को बोल रहा होता है कि मैम के पास जाओ उन्हें मनाओ वो आपको माफ़ कर देगी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जीजी कोई भी जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे रहे, अगर वो वापस खुद आना चाहती है तो वो अलग बात है, वरना वो बोलता है मैं अपनी किस्मत समझूंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जीजी थी उसे पता चला सांगजी को चोट लगी है, उसे चाकू मारा गया है वो जियांगली के आदमी के द्वारा। वो तो बहुत घबरा जाती है, वो भाग के जाती है डॉक्टर को, बोलती है मेरे हस्बैंड कैसे, मेरे हस्बैंड कैसे। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलते हैं आपके हस्बैंड अभी मुझे नहीं पता, उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत सीरियस है, वो तो रोते रोते वहीं पर पागल हो जाती है, उसे लगा उसने सांगजी को खो दिया, वो बहुत रो रही होती है। और तभी वहाँ पर व्हीलचेयर में आता है सांगजी, सांगजी को देखने के बाद वो जोर से जाके उसे हग करती है और बोलते हैं तुम ठीक हो, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। वो बोलता है मैं ठीक हूँ बाबा, लेकिन मुझे लगता है तुम जिस तरह से मुझे हग करे हो मेरी जान जाएगी। वो उसे सॉरी बोलती है और उसके बाद उसके लिए फ्रूस काटने लगती है और उसके बाद वो सॉरी बोल रहे होते हैं होती है। और उसके बाद जीजी को सांगजी बोलता है तुम इतना ज्यादा मुझे परेशान मत करो, मुझे ना बहुत बुरा लगेगा, अरे मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। सांगजी को जीजी बोलते हैं मैंने तुम्हें उस सब चीजों के लिए माफ किया। वो बोलता है सच्ची में क्या मैं इतना किस्मत वाला हूँ। वो उसे बोलती है क्योंकि मैं भी तुमसे जितना प्यार करती हूँ ना किसी और से नहीं किया है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत सुनाया अच्छे ज्यादा ही बोला मैं। ये सुनने के बाद जो जीजी थी उसको सांगजी बोलता है नहीं इसमें मेरी गलती है, वो उसे किस करता है, लेकिन तभी उसे वॉमिटिंग फीलिंग होती है, वो कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रही थी, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही होती है। डॉक्टर को चेकअप कराते हैं, डॉक्टर आती है और बोलती है तुम दोनों को के साथ रहना नहीं चाहिए। तभी डॉक्टर को सांगजी बोलता है मेरी बीबी इतनी वॉमिटिंग क्यों कर रही है, उसकी तबीयत क्यों खराब है। सुनने के बाद डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारी वजह से, अगर तुम थोड़ा दूर रहोगे ना तो ये थोड़ी नॉर्मल रहेगी। वो दूर जाता है और बोलता डॉक्टर आपका कहने का मतलब। तभी डॉक्टर बोलते कि ये प्रेगनेंट है। ओह माय गॉड, वो तो इतना खुश होता है, वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं लेकिन फिर भी उसे दूर कर रही थी। वो बोलता है तो डॉक्टर ये इतनी क्यों मतलब वॉमिटिंग वाली फीलिंग ले आ रही है। सुनने के बाद डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि उसको ब्लड से एलर्जी है, ब्लड से उसे अब एलर्जी है और जब भी वो ब्लड की स्मेल महसूस करेगी उसे ऐसे ही वॉमिटिंग वाली फीलिंग आएगी, तो आप थोड़ा दूर जाओ तो वही बेटर होगा अगर आपको बेबी को सेफ सलाम सही सलामत रखना चाहते हो तो। वो बताया अच्छा ठीक है ठीक है। वो थोड़ा दूर जाता है, दरवाजे देखता है और बोलता है इतना ठीक है जीजी तुम ठीक हो ना। वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद ऑलमोस्ट 3 मंथ तक यही चलता है जहाँ पर वो बहुत दूर दूर हुआ करता था, लेकिन हाँ अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जीजी थी 3 महीने के बाद थोड़ा बेटर हो गई थी। सांगजी उसके पास आता है, थोड़ा नजदीक आता है, बोलता है इतना ठीक है तुम्हें कुछ महसूस तो नहीं हो रहा। वो बोलते हैं हाँ ठीक हूँ मैं। और नजदीक आता है, बोलता है अब ठीक हो। वो बोलते हैं हाँ ठीक हूँ, अब मैं ठीक हो चुकी, तुम इतने बच्चे की तरह हरकत मत करो। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है बेबी, मैं तो बस अपने बच्चे और तुम्हारी हेल्थ सेफ्टी के लिए कर रहा था। और उसके बाद उसके पास आता है, उसे किस करता है और बोलता है कि हम शादी करें फॉर्मली शादी जहाँ पर हम दोनों कपल से दुनिया को बताना है और तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे तो दुनिया को बताना है मेरी बीबी हो तुम। वो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन जी अपने ब्राइड से मिलने के लिए जा होता है और कब आपकी हड्डी बनी हुई थी पेप पेप पे बोलते हैं इतने आसान से नहीं थी जाजी, थोड़ा मेहनत करवाएंगे। और उसके बाद वो बोलते हैं कुछ सवाल के जवाब है जो देने के बाद आप जा सकते हो ब्राइड से मिलने के लिए, वरना तो भूल जाओ। वो बोलता है कोई बात नहीं मैं भी तैयार हूँ, मुझे अपने पैर पर पूरा भरोसा है। और उसके बाद वो बोलती है उसका फेवरेट कलर बताओ, उसका फेवरेट कलर था वायलेट। और उसके बाद उसका फेवरेट खाना पूछती है जो सही बताता है। और उसके बाद वो बोलती है आप उससे कब से प्यार करते थे। सुनने के बाद सांगजी बोलता है 8 साल की उम्र से, क्या 8 साल की उम्र से मजा कर रहे हो। तभी वो बोलते हैं नहीं। और उसके बाद सांगजी के
जो था सांगजी जीजी के पास जाता है और बोलता है 8 साल के एज के टाइम पे इसने मेरी जान बचाई थी, अगर उस टाइम पे ये ना होती तो आज मैं जिंदा ना होता और जिसके चक्कर में ये खुद ही अपनी याददाश्त खो बैठी थी। ये सुनने के बाद बोलते क्या, और उसके बाद उसे कुछ फ्लैशबैक वाले मोमेंट्स तो याद आ रहे थे थोड़े थोड़े, लेकिन कभी उसको इतने ज़्यादा याद आया नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगजी बोलता है उस टाइम पे मुझे कुछ लोग मारना चाहते थे और उस टाइम पे यही थी जिसने मेरी जान बचाई और जिसके चक्कर में इसको बहुत बुरी तरह से चोट लगा। उसके बाद जब होश में आया मैंने इसको रोने की बहुत ट्राई किया लेकिन बहुत लेट हो चुका था और इसके लाइफ में ऑलरेडी जंग आ चुका था। मुझे लगा 8 खुश रह जाएगी लेकिन गलत तो मैं था, लेकिन अब इतना लेट नहीं हुआ है। मेरा प्यार 8 साल की उम्र से है, भले ही इसका मैं लेट आया हूँ लेकिन मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। इसने के बाद संजीव बहुत खुश होती है, हैप्पी होती है। और उसके बाद हम देखते हैं ड्रामे का एंजिन जहाँ पर दोनों की मैरिज हो रही होती है और यहीं पर ड्रामा खत्म। सो गाइज, अगर यहाँ तक देखा हुआ है तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पर्सनली मेरा फेवरेट ड्रामा है, मैं बोलूँगी अगर मैं टॉप 5 ड्रामे मैंने बारी करके किए तो यूकिन के ड्रामे के अलावा इसको मैं वन ऑफ माई फेवरेट जरूर मानूंगी क्योंकि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। उम्मीद है आपको भी पसंद आया ही होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ बताओ कैसा लगा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, मैं आप लोगों के थॉट जरूर जानना चाहूँगी। तो मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बताना जरूर किस तरह का ड्रामा देखना पसंद।